सो हे गाइस, मैं हूं एलेक्स, वेलकम बैक टू पोकेट्वेल 5। एंड आज हम खेलने वाले पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू को विथ ओनली एश पोकेमॉन। एंड आज मैं बिल्कुल गेम को एनिम की तरह खेलने वाला हूं, लाइक एनिम के कुछ रूल्स अप्लाई करूंगा जिससे गेम बिल्कुल एनिम की तरह हो जाने वाली है। सो नंबर वन रूल पे तो यही है कि हमें सिर्फ एश के पोकेमॉन को यूज़ करना है। तो नंबर टू पे है नो हीलिंग, जो कि एनिम के अंदर होती ही नहीं है। एंड नंबर थ्री पे है हम किसी और से पोकेमॉन को ले नहीं सकते फ्री में। एंड नंबर फोर पे इक्वल बैटल फॉर इलाइट फूड एंड जिम लीडर्स, अगर ओपोनेंट के पास तीन पोकेमॉन है तो ऑफकोर्सली हम भी तीन पोकेमॉन लेके ही जाने वाले उससे बैटल करने। एंड ये सारे रूल्स मिला के गेम को बिल्कुल एनिम लेवल तक ले जाने वाले हैं, तो भाई बहुत मजा आने वाला है एंड बहुत हार्डर भी होने वाला है। सो जिनने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो एंड लाइक बटन को दबाना मत भूलना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, मेरी आंखें धुंधली हो चुकी है और आई गेस स्टार्टिंग में मैं गेम के अंदर घुस चुका हूँ। मैं गेम के अंदर घुस चुका हूँ, तो चलो अपना स्टार्टर लेने चलते हैं जल्दी से प्रोफेसर ओक के पास। अरे प्रोफेसर क्या ही कर रहे हो यार यहाँ पर, मैं स्टार्टर लेने आया हूँ, तुम पीजी के साथ खेल लो। अरे यार ये ठीक नहीं है, चल भग यहाँ से। ओके हाँ, तो अपने स्टार्टर पोकेमॉन मेरे हाथ में थमा दो यार। ओके बातचीत बाद में, पहले स्टार्टर थमाओ यार। एक सेकंड, ये क्या हो गया? और पिकाचू, आओ इसे मेल पिकाचू यार, ये एस के पिकाचू हो सकता है, मतलब मेरा पिकाचू। अब क्या मतलब मुझे अपने खुद के पिकाचू को खुद ही कैच करना होगा, मतलब स्टार्टर पोकेमॉन खुद ही कैच कर रहा हूँ, क्या जमाना आज का है मेरे भाई। बट कोई बात नहीं, इस पोकेबॉल को मैं अभी लूँ क्या? एक सेकंड भाई, भाई कहाँ जा रहा है तू? एक सेकंड रन कहाँ पर चला गया भाई देवी? जो भी हो, मुझे तो अपना पोकेमॉन चाहिए, तो उठा लेते अपना पहला पोकेमॉन। एंड ओ पिकाचू यहाँ पर आ चुका है, मतलब वहाँ से जाके यहाँ पर मेरा फर्स्ट पोकेमॉन बनने के लिए, ठीक ही है। चलो भाई आजा मेरे क्यूट से पिकाचू। एंड अब हम जाने वाले हैं अपनी जर्नी पर। बाय द वे यार, इससे पहले मुझे मेरे राइवल को हराना पड़ेगा जो कि गैरी है। मैं पता है भाई गैरी इज द बेस्ट, उसके फैंस बोलते हैं ऐसा, बट वो बेस्ट है नहीं, बिकॉज मैं हूँ एश एंड एश इज द बेस्ट। सो लेट्स गो माय पिकाचू। एंड पिकाचू के सामने टिकना इम्पॉसिबल है भाई, हम पूछ दिखाएंगे हाँ ठंडे शॉक देंगे। एंड जो भी हो, पिकाचू दो थंडर शॉक, तीन थंडर शॉक, जितने भी थंडर शॉक मार के खत्म कर दिया इसने। एंड अभी मुझे बाहर जाना है बिकॉज ब्रॉक इंतजार कर रहा है भाई मेरा। बट एक सेकेंड, गैरी की बहन, गैरी की कोई बहन भी है क्या? मुझे नहीं बताया भाई इसने। बट जो भी हो, मेरा क्यूट से पिकाचू को अभी कुछ खाना वाना खिलाने का टाइम आ चुका है। तो भाई पिकाचू क्या हाल चाल मेरे दोस्त? अरे ले ले ले, कितने क्यूट से है यार, चल थोड़ा खाना वाना खा ले। एंड ये अभी इसको ड्रेस भी बनाना है, तो भाई चलो इसका ड्रेस देख लेते हैं, बिल्कुल भाई भाई लग रहे दोनों। एंड फिलहाल पीजी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, बट एस कैच पिजियोट नॉट पीजी, सो मैं इसको कैच नहीं कर सकता। एंड भाई क्या हाल चाल, तू बैटल करेगा मुझसे? ले भाई भाई बच्चे बच्चे आ जाते कहाँ से बैटल करने मुझसे, एश कैचम से। अरे हाँ, मुझे इस साइड जाके कुछ पोकेमॉन कैच करने हैं, क्या मिलेंगे कुछ? यहाँ पर मनकी मिलते हैं, बट मुझे प्राइमेप चाहिए, क्योंकि एश ने प्राइमेप को कैच किया था। वो गैरी भाई तो दोबारा हार नहीं आ गया, कोई बात नहीं, ये ले निकल यहाँ से हम। कोई ना यहाँ पर पोकेमॉन लीग है। एंड आई गेस मैं उसको अभी चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, या यही राइट है, मैं चैलेंज नहीं कर सकता। मुझे 8 जिम्मे चाहिए होगी पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए, सो मैं चला अपने पोकेमॉन मास्टर बनने के सफर पर, बनूंगा मैं इतना ज़बरदस्त ना कोई हो जितना। तो इसी खातिर मुझे यहाँ पर चार्जर मिलने वाला है, कहा गया चार्जर नहीं है क्या? कोई बात नहीं, वेडन पोच में जाते हैं। एंड यहाँ पर पिचू ऑटो मिलना चाहिए जैसे ऐश को मिला था। ए मेरे कैटरपी, व्हाट्सएप कैटरपी जल्दी से टीम में ऐड हो जाए यार, ये मेरा फर्स्ट पोकेमॉन है कैच करने का। यस, ऐश ने भी यही कैच किया था, मैं भी यही कैच करने वाला हूँ। ओके दिस इज माई फर्स्ट पोकेमॉन कैटरपी, यो वेलकम वेलकम ऑन द टीम कैटरपी। एंड अभी यहाँ पर कुछ सफाया भी करना बाकी है, काफ़ी गंदगी है आसपास, तो सबको सफाया कर देते हैं जल्दी से। ओके एंड या उसी बीच मेरा बटरफ्ली, मैं इसे कैच नहीं कर सकता क्योंकि ऐश ने कैटरपी कैच किया था, नॉट बटरफ्ली। एंड उसी बीच घूमते घूमते मुझे मेरा बल्बसौर दिख गया। ओ मेरा क्यूट से बल्बसौर, क्या हाल चाल मेरे भाई, जल्दी से आ जाओ पोकेबॉल में। उससे पहले से थोड़ा चीज़ खिलाया था, वरना बाद चले भाव भाव खा ले बल्बसौर। ओके टपंग 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 कैच, नहीं हुआ कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा। यस ओके, तो बल्बसौर वेलकम ऑन माय टीम। एंड ये काफ़ी अच्छा कूल पोकेमॉन है, मेरा पीछा करेगा तो और भी अच्छा दिखेगा, बट मुझे अभी यहाँ से निकलना है बिकॉज मुझे ब्रॉक को चैलेंज करना है। सो लेट्स गो फॉर चैलेंज ब्रॉक। एंड या ब्लॉक मेरा जिगरी चंटीपट्टी आ रही तुम्हें पता है, बट अभी तक नहीं है भाई, अभी बनने वाला है। तो उसको चैलेंज करने के लिए आपको मुझे दो पोकेमॉन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ब्लॉक दो ही पोकेमॉन यूज़ करता है, जियोडूड एंड ऑनिक्स। सो मैं ये दोनों पोकेमॉन को लेकर जाने वाला हूँ इसके जिम के लिए। हेलो चचा, क्या हाल चाल? एंड अभी ओ इसने गार्ड बैठा के रखे खुद एश कैचम कराने के लिए, आर यू सीरियस? एंड दूसरा वाला भी मेरे को रोकेगा क्या भाई? तुम लोग क्या ही करते रहते हो यार, निकलो। एंड अभी बारी है ब्रॉक को चैलेंज करने की। भाई ब्रॉक में हूँ एश कैचम, एंड तेरे डैड ने मुझे खुद मेरे पिकाचू को पावर देके दिया है, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब हाँ तेरे डैड ने खुद मेरे पिकाचू को चार्ज करने का तरीका बताया, अब तो पिटेगा बिल्कुल सही तरीके से। पिकाचू यूज डबल केक, मतलब एश के पिकाचू दो लात मारता था क्या?
आई डोंट थिंक पिकाचू ने कभी लात भी मारी होगी ऐश के पिकाचू ने, बट मेरा पिकाचू मारता है बिकॉज मैं दूसरा डायमेंशन का ऐश हूँ। बट कोई बात नहीं, ये ले डबल केक एंड खत्म होता जियो डूड। ओके फर्स्ट किया एंड अभी आई के ओ ओ ओ भाई बड़ा सांप ला लिया, पथरीला सांप प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ रहेगी। हाँ जो भी हो, इसको हराने के लिए पत्थर फेंक रहा है मेरे ऊपर, ले सारे पत्थर फेंकेगा लाथिया खातू। ओके कुछ नहीं होगा भाई पत्थर से तेरे। ओके पिकाचू यूज डबल केक अगेन एंड फाइनली ऑनिक्स इज डिफीटेड। बेचारा ऑनिक्स ब्लॉक खा रिया, यहाँ पर पिकाचू मैंने ताली बजाई रही एंड अभी आपको जिम बैच मिल लिया, सब कुछ हो गया। एंड अभी मुझे जाना है इस सिटी से नेक्स्ट सिटी में, जहाँ पर मिस्टी हमारा इंतजार करी होगी, मेरी प्यारी सी दोस्त मिस्टी, क्योंकि अब कोई मैंने इसका साइकिल तोड़ दिया था। बट कोई बात नहीं, मैं एक दिन इसे साइकिल जरूर लौटाऊंगा। ओके एंड ये कुछ कोच ट्रेनर है जिसके आगे मैंने पिछवाड़ा दिखाई, आजा बेचारा पिकाचू, तो पिछवाड़ा दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, इनसे मुझे रिवाइव मिला एंड ये मेरे रूल के खिलाफ है, मैं रिवाइव यूज़ नहीं कर सकता। मेरे भाई बेकार के आइटम दिए तूने मुझे, बट कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर गंदगी साफ करनी पड़ेगी वापस से। आखिरकार मैं ऐश क्या चाहूँ यार, मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। ओके एंड ये लास्ट कोच ट्रेनर एंड इसने मुझे पे दे दिया है, पे डे, आज पे करने का डे। चलो सब लोग मुझे पेटीएम करो यार, मजाक कर रहा था। मजे हाँ यहाँ पर ये अंकल क्या स्टैंड, मैजिक ऑफ सीक्रेट पोकेमोन है जो कि तुम 500 रुपये मेरे को बेचोगे। थत 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 साला निकल निकल यहाँ से, मुझे नहीं खरीदना तुझे, तो इससे मतलब मैजिक कार बेकार पोकेमोन। तो चलो भाई एम्प्टी मून की की में चलते हैं। आई गेस कौन टीम रॉकेट, वही वाले टीम रॉकेट जो हमेशा मेरे पिकाचू के पीछे बढ़ते रहते हैं, बट आई थिंक इस बार तुम मेरे पिकाचू के पीछे नहीं हो, है ना। ओके ये लोग यहाँ पर फॉसल ढूंढने आए हैं, ठीक है पिकाचू के पीछे मत पड़ना वरना पिकाचू का पूछ निकाल के तो मैं गाल में मारूंगा, सच बता रहा हूँ। ओके एंड ओके यहाँ पर कुछ ट्रेनर्स को मुझे बस बीट करना होगा यार, छोटे छोटे ट्रेनर्स आ जाते हैं बीच बीच में। एंड मेरे कैटर भी इवॉल्व हो रहा है भाई, भी जब मिस्टी से छूनी वाली होती है तब ये इवॉल्व हो चुका है। एंड इस बार अभी तक मतलब मैं इतना सब कुछ कर चुका हूँ, अभी तक तुम लोग फॉसल ढूंढो, एक काम को यहाँ से नीचे कूद जाओ, फॉसल मिल जाएगी तुम्हें। ओके एंड अभी बाकी यहाँ का लास्ट वाला बंदा जो कि फॉसल की रखवाली कर रहा है, इसके पास नल्ले कुछ पोकेमोन है जिनको हरा दिया एंड अभी इनमें से एक फॉसल मैं ले सकता हूँ। चलो कबूतर वाला फॉसल ले लेते भाई, मैं कभी इसे हील तो कर नहीं सकता बिकॉज ऐश के पास ऐसे कोई पोकेमोन था ही नहीं, कोई भी उठा लेते हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई। ओके एंड टू यू उठा ले साइड वाला, हाँ कोई बात नहीं। एंड अभी एक सेकेंड, कौन रोक रहा भाई मेरे को, टीम रॉकेट क्या तुम्हें मेरा फोसल चाहिए? पिकाचू के पीछे पड़ो ना सालो, फोसल के पीछे क्यों पड़ रहे हो भाई? नल्ला टीम रॉकेट पिकाचू के पीछे नहीं पड़ रहे, फोसल के पीछे पड़ रहे कमीने साले। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वीजिंग एंड कॉफिंग घड़ा दूंगा, मेरे पास है बिल्बसॉर्ड एंड पिकाचू। ओके एसिड, एसिड ज़्यादा काम का नहीं है मेरे भाई, ये ले लीफ सीड, ये काम का है। तो अभी भाई एनिमेटेड एक्सी फार्म हो चुकी है बल्बसॉर के लिए एंड अब तो मेरे पिटोगे भाई मेरे बल्बसॉर के आते हो। ओके एक पोकेमोन तो गया इनका बहुत इजी तरीके से एंड दूसरे बल्बसॉर ने खा लिया, बेचारे जैसी जेम्स, आहा बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए मेरे को। बट उसी बीच मेरा मेटाफोर्ट फाइनल स्टेज में इवॉल्व हो गया बटरफ्ली के अंदर, ये ऑसम पोकेमोन दिख रहा एंड बटरफ्ली को मुझे रिलीज भी करना पड़ेगा यार कुछ देर बाद, कोई बात नहीं कर देंगे। अरे जो भी हो यहाँ पर आई गेस मिस्टी होने वाले, ए मिस्टी आ गई, मिस्टी नहीं है ये तो पानी का पूल है, चलो शायद से इसके अंदर मिस्टी नहा रही होगी। क्या इधर में मुझे पैसे फेंकने भाई, 500 रुपये बिल्कुल नहीं, 50 रुपये फेंकूंगा कंजूस में भाई। ओके 50 रुपये फेंक दिया, हाँ पिकाचू खुश हो जाए मेरे पैसे की बर्बादी देख के, यही तो तुझे करने को बाकी रह गया था। कोई बात नहीं, फिलहाल मुझे थोड़ा पोकेमोन सेंटर जाना है एंड यहाँ पर एक अंकल है जो कि मेरे पिकाचू के एक स्पेशल मूव सिखाते हैं जीपी सैप, जो कि बहुत औसम है एंड या ये मूव हमेशा ही फर्स्ट मूव हिट करता है एंड ऑल्सो एक क्रिटिकल हिट देता है भाई साहब। ठंडा शॉक वंडर शॉक कोई भी मूव आ जाए सबसे भाई बेस्ट ये मूव है जिपी सैप, जो कि मेरा फेवरेट मूव है पिकाचू का। मैं देखो जो भी, चलो ऊपर जाके अभी मुझे कुछ ट्रेनर्स को बीट करना है बिकॉज 5 इलाइट गार्ड्स मैंने सुना है यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक सेकेंड, तो क्या भाई इलाइट गार्ड से डर के आ गया भाई, रोके कोई बात नहीं, मुझसे भी डरो भाई, मैं भी पावरफुल हूँ। चल इसका पिजी गया एंड ऑडिश भी गया एंड इसका लास्ट पोकेमोन ईवी भी गया भाई, खत्म हम निकल तुम यहाँ से। एंड फिलहाल मुझे बस यहाँ के कुछ ट्रेनर्स को बीट करना है, सो वहाँ जाओ 5 इलाइट ट्रेनर्स, एक गया, दो गया एंड तीसरा भी, चौथा भी एंड पांचवा भी गया एंड अभी बस मुझे इस लॉन्डे से बैटल करनी है जो कि मुझे टीम रॉकेट में जॉइन होने को बोल रहा है। भाई मैं ऐश क्या चाहूँ, टीम रॉकेट का सख्त दुश्मन, मैं हमेशा अच्छा ही काम करता हूँ, मैं पोकेमोन का दोस्त हूँ एंड मैं चैंपियन बनने वाला हूँ, तो तुम मुझसे बैटल मतलब तुम मुझे टीम रॉकेट में शामिल नहीं कर सकते, मैं तुम्हें हरा दूंगा। एंड भाई तुम्हें यहाँ पर ये लौंडा फ्री में चार्मेंडर बांट रहा है, रूल्स के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें इससे चार्मेंडर टेक नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी भैया जी, बट कोई बात नहीं मुझे आगे जाने दो। एंड यहाँ पर आगे भी कुछ बुढ़े अंकल वंकल हैं, तो एक बिगाड़ा काम बिगाड़ा एंड ये गया भाई पिजी ऑटो, ये ऑडिश एंड अभी मुझे जाना है बस बिल को बचाने एंड ओके ये क्या हो चुका है भैया जी, एक्सपेरिमेंट खोल में बिल कहाँ है, बिल भैया किधर हो भाई तुम, ऐसे आ चुका है। ओ पिकाचू एक सेकंड,
जितने बिल अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बन चुका है भाई, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हुए यार, इसलिए बोलता हूँ आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, साइंस मत लो भाई, यही हालत होगी तुम्हारी ज़िंदगी में, यही पोके बनते फिरोगे, पोकेमॉन सोचे इंसान पोकेट बन चुका है साइंस लेके, इसलिए बोलता हूँ टेंथ में हमेशा, टेंथ में नहीं, टेंथ के बोर्ड के बाद, हाँ आर्ट्स साइंस लो, साइंस नहीं आर्ट्स एंड कॉमर्स लो, साइंस नहीं बिल्कुल, ओके अब ठीक हुआ ना भाई, ए बिल निकल, ओ ये बिल है, हाँ हेलो बिल, हेलो हेलो व्हाट्सअप, ओके इसने मुझे ऐसे टिकट दिया जिसके सहारे मैं जा सकता हूँ ऐसे सन्ने में, बट फिलहाल मुझे मिस्टी को हराना है भाई, तो चलो भाई मिस्टी के जिम में, एंड इसके लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर दो पोके सेलेक्ट किए हैं बिकॉज मिस्टी के पास भी फाइनल दो पोके होने होते हैं, सो लेट्स गो, ओके जिम अच्छी है भाई, महिलाओं से भरी पड़ी है ये जिम, पुरुष किधर है, ओ ये अकेला लौंडा खड़ा है ना इधर पे, चलो कोई बात नहीं, 15 लेवल के पोकेमॉन चाहिए, मेरे पास 16 के है भाई, चल निकल यहाँ से नल्ला कहीं का, एंड फिलहाल मुझे यहाँ पे कुछ मोहतरमा को हराना पड़ेगा, ओ ओहो क्या ही ड्राइव मारी है आपने तो, तालियां तालियां भाई जी, हाँ फिलहाल मुझे कुछ और को हराना पड़ेगा, अबे यार 3 चमची बैठा के रखे मिस्टी ने तो, चल कोई बात नहीं सबको यहाँ से बीट कर देते हैं, आ जाओ आप भी आ जाओ, ये ड्राइव मारा इसने और आगे मेरे पास, ओके ख़त्म सील भी, एंड फिलहाल अभी मिस्टी की बारी है, मिस्टी यार तुमने बहुत बुरा किया यार, ऐश के लिए 3 लोग बैठा के रखे हैं यार, अकेले मिल लेते अपन तुमसे, बिल्कुल हम दोस्त हैं ना, अरे जो भी इसका फर्स्ट पोकेमॉन साइडक, अरे वो साइडक लगे अभी तक घूम रही क्या तू, कोई बात नहीं मिस्टी अब पिटेगी तू, एंड मेरे पास है अभी स्लीप पाउडर ही, अब मैं इसके साइडक को सुलाऊंगा, एक सेकंड कन्फ्यूजन नहीं साइडक बिल्कुल नहीं, अबे मिस साइडक पर अटैक मिस, बल्बसॉर तो क्या कर रहा है भाई, इस नल के ऊपर अटैक मिस कर दिया, अब तो सुलाना ही पड़ेगा, ओके सो गया साइडक, अब जिंदगी भर नहीं उठेगा तू बिल्कुल से, अब मर जा ठीक है, अब और एक अटैक साइडक मर जा, अब उठ गया बल्बसॉर आ रही भी मैस बल्बसॉर खत्म, एंड बट पिकाचू तो बदला लेगा साले, पिकाचू से कैसे टकराएगा तू, एंड इसका सेकंड को स्टार्ट मी, ओके एक शॉट में जाना चाहिए, वन शॉट किल, पिकाचू इतना नूब क्यों है भाई तू, एक शॉट में नहीं जा पाया इसके पोकेमॉन को, कोई बात नहीं दूसरे शॉट में तो ये जा ही देगा, ओके खत्म, एंड अभी भाई हम जीत चुके मिस्टी से, एंड पिकाचू आजा ताली मार ले बेटे, एंड हमें मिल चुका जिम बैज, एंड या अभी मुझे आगे जाना है, एक सेकंड ये क्या है रास्ते पे खड़े हो, हटो भाई, हाँ हट गए, अभी भागो इसके पीछे, भागो भागो इसका पकड़ो, मुझे कोई काम नहीं तुम लोगों से, मुझे तो भाई आगे जाना है, एंड इस घर के अंदर टीम रॉकेट ने बहुत हाथापाई कर रखी है, पता नहीं क्या किया इन लोगों ने, क्या पिकनिक मनाए क्या मनाए कुछ भी नहीं पता मेरे को, बट ये दीदी जी रो रही है, अंकल बोल रहे भाई घर फूट गया खत्म हो गया सब कुछ, बट कोई बात नहीं मेरा पिकाचू तो यहाँ पर देख रहा है चीज़ें क्या क्या हो रही है, बिकॉज डिटेक्टिव पिकाचू है मेरा वाला, ओके तो चलते भाई पिकाचू आगे देखने किसने क्या किया है, और ये रहा टीम रॉकेट का लौंडा साले, तुम यहाँ पर करोगे, ओके इससे चुराए हुए आइटम मैंने चुरा लिए इससे, चोर के घर पे चोरी किए मैंने, ओ ओ एक सेकेंड क्या मतलब पिजी ऑटो मिल चुकेगा मेरे को, ओ मेरा पिजी ऑटो क्या मतलब पिजी ऑटो क्या हालचाल, आजा भाई टीम में जल्दी से, एक थ्रो में आना चाहिए तू, अरे बेवफा पिजी ऑटो, हाँ वैसे पिजी ऑटो एक थ्रो में आया भी नहीं था आज का, मेरा भी नहीं आएगा, यस ओके फाइनली कैच हो चुका है मेरा पिजी ऑटो, तो पिजी ऑटो स्वागत है मेरी टीम में, एंड बटरफ्ली मेरी प्यारी सी क्यूट सी बटरफ्ली, अब मुझे अलविदा कहने का टाइम आ चुका है, मेरे ऑडियंस में दोनों रो रहे हैं यार बहुत ज़्यादा, नहीं पक कोई थूक लगाओ यार मेरी आंखों में, कोई बात नहीं मैं बहुत रो रहा हूँ, ओके मर जा मतलब चला जा बटरफ्ली, ओके बाय बाय बटरफ्ली, मैं बहुत रो रहा हूँ तेरे लिए, अलविदा यार, दोबारा ज़रूर मिलेंगे किसी दिन, अगर मैंने पोकेमॉन लेट को पिकाचू को डिलीट कर दिया तो फिर, वरना नहीं मिलेंगे, चलो बाय बाय भाई जी भैया, फिलहाल मुझे मेरा दोस्त गैरी मिला, गैरी हम दोनों दुश्मन है यार, हाथ के मिला रहा है, निकल यहाँ से, ओके अब मुझे भी निकलने आगे की साइड, एंड यहाँ पर कुछ आइटम्स, ओहो फ्री का आइटम कौन चढ़ता है भाई जी भैया, जो भी हो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे आइटम मिल गए, और या फिलहाल वीकली टफ देखिए साइड हट, तो गाना सुला के सुला मतलब गाना गा के सुला देगी हम सबको, मुझे नहीं रहना इसके पास भाई, मेरे पीछे आ रही है टफ, कोई बात नहीं मैं बाकी ट्रेनर्स को यहाँ पर हराऊंगा, कोई भी मुझसे नहीं टिक पाएगा बिकॉज मैं हूँ एज कैचम, एंड या फिलहाल मुझे सिर्फ और सिर्फ इस सिटी के जिम्नेटी को हराना है, बट उससे अंकल जी हटिए ना, ओके तो या इसके लिए मुझे एसएसएन के शिप में जाना पड़ेगा, एंड इसके अंदर जाने के लिए बस हमें इस अंकल को बस थोड़े पैसे खिलाने पड़ेंगे, ये तो अंकल 2 रुपये आप चिप्स खा लेना, मतलब अपने बच्चे को खिला देना चॉकलेट, एंड खुद 1 रुपये का मुंह लेना, कोई बात नहीं अब अंदर जाने दो भाई हमको, ओके ठीक है बहुत सही बात है, अंकल से बातचीत हो गई गुप्त बात, अब हम जाने वाले अंदर, ये रहा शिप, तो इसके अंदर रहता है ब्लू, एंड हाँ उससे बातचीत हो गई, एंड ये देखो अंकल कितने मज़े से साइड में देख रहे हैं, हेलो अंकल क्या हालचाल, क्या हालचाल सब बहुत अच्छे लोग भाई, बैटल शुरू कर दी, पोकेमॉन निकाल दी भाई, हालचाल पूछते ही, कोई बात नहीं मैं भी बदला लेना जानता हूँ, तो भाई जी भाई पिकाचू मैं और मैंने यहाँ पर बहुत मज़े किए, हमने बहुत अच्छे अच्छे लोगों से बात की, हमने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को काटा भी पीटा भी, एंड फिर हम आ गए कैप्टन के शिप में, और कैप्टन के शिप से मेरे प्यार से पिकाचू ने
स्काई डैश नहीं, इसका नाम क्या था, मैं भूल गया, जो भी हो सीक्रेट टेक्निक ऑफ चॉप, हाँ चॉप डाउन, ये सीखा। एंड फिर हमने शिप को बाय बाय बोल दियो एंड अभी बारी है जिम में जाने का। तो भाई सीक्रेट टेक्निक ऑफ चॉप डाउन यहाँ ये किया हमने एंड अभी हमको जिम को चैलेंज करना है। तो भाई जिम के चैलेंज करने के लिए मैंने सब बंदों को हरा दिया ऑलरेडी, बिकॉज मैं एक सेकंड के अंदर काम करता ना भाई, तुम लोगों को पता भी नहीं चलता इतना फास्ट है क्या। फ्लैश को हराया मैंने 3 बार, तो अभी बस मुझे यहाँ का की ढूंढना है एंड मैंने कंप्लीट कर लिया ये। तो अब मैं जा सकता हूँ भाई इस जिम लीडर को सबक सिखाने, मतलब ये मेरे पिकाचू को हराना चाहता है अपने राइचू से। तो भाई इसका फर्स्ट पोकेमॉन वोल्टोव है एंड ठीक है, मैं अपने पिकाचू के साथ इसके सारे पोकेमॉन को बीट कर दूंगा। तो पिकाचू लेट्स डिग ब्रो, ओके अंडरग्राउंड चला गया एंड अंडरग्राउंड से ही पिकाचू तेरे को मारेगा भाई, अंडरग्राउंड अटैक। चलो एक डिग के अंदर खत्म इसका फर्स्ट पोकेमॉन, ओके दैट्स गुड। सेकंड पोकेमॉन है एक मैग्नेमाइट भाई, ये भी क्या टिकेगा, जा पिकाचू एक डिग मार एंड खत्म कर दे इसे, नाइस। एंड अभी बस उसका राइचू बाकी है एंड इससे भाई बदला लेना बहुत बनता है, यानी मैं बहुत भाई इसने मेरे पिकाचू को सताया है। एक बात तो इसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, बट कोई बात नहीं, इस बार तो बहुत पिटेगा मेरे भाई, बहुत ही पिटेगा। थंडर बोल्ट कोई असर नहीं पड़ता भाई हम पे, हम बहुत स्ट्रॉन्ग गाड़े, खत्म होता जिपी जैप से। और भाई इसी के साथ मैंने इसको हरा दिया, मेरा पुराना बदला ले लिया, पिकाचू मार ताली और ले जिम बैज अच्छी वाली। और भाई दिवे फिलहाल मुझे मिस्ची भी मिल चुकी है, ओके चल मिस्ची चलते हैं डिगलेट केव में, एक साथ कुछ बातें शातें भी हो जाएगी हम दोनों का, लेट्स गो मिस्ची। आई नो चल गाइड कर दे। एंड भाई दिवे क्या हाल चाल, तू जिम लीडर बन चुकी, मिठाई वठाई नहीं खिलाया हमको, कोई बात नहीं तेरे घर आके मिठाई खा लूँगा कभी। अभी तो भाई बारी है डिगलेट केव में जाने का एंड यहाँ पर काफ़ी सारे डिगलेट मिलते हैं जो कि परेशान कर रहे लोगों को, तो मैंने इनको खड़ा दिया सबको। मजाक कर लो भाई दिवे, यहाँ पर बस मुझे थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पर एक अंकल से मेरे पिकाचू को फ्लैश सिखाना है, द सीक्रेट टेक्निक ऑफ लाइट अप। तो सीख ले मेरे पिकाचू, बस सही करना बाकी रहेगा था, पिकाचू को कंधे पे लेके इसको चीज़ें सिखाना। एंड अभी बस मुझे लियन सिटी के आगे से जाना है, मतलब राइट साइड से सीक्रेट टेक्निक ऑफ चॉप डाउन का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर कुछ और गंदगी फैलाई हुई है, तो सब ट्रेनर्स को हराना। एक सेकंड पिकाचू पूछ ला रहा भाई, ये एक सेकंड पिकाचू तो पूछ, ओके आइटम के पास जैसे पिकाचू पूछ लाता है, सही चीज़ है यार। बट मुझे यहाँ पर कुछ ट्रेनर्स को हराना है, चल भाई ट्रेनर्स आ जाओ, ओके ये बहन है भाई नहीं वैसे। तो इसके ईवी को तो एक ही शॉट में ख़त्म एंड उसके कौन सा, ओके रेटिकेट भी गए एंड मंकी भी गए एंड सारे पोकेमॉन को हरा के क्रैबी। अरे मेरे भाई क्रैबी क्या हाल चाल, क्रैबी ओके आ जा भाई जल्दी से आ जा, नखरे मत दिखा। आई थिंक एक शॉट में आना चाहिए मेरा क्रैबी, आ गया आ गया, यस एक शॉट में आज भी कैच किया था मैंने भी, दैट्स राइट। ओके क्रैबी मेरे को मिल चुका है एंड फिलहाल मुझे जाना है आगे, बट ये क्या हुआ है हाँ मैं जानता हूँ, मैं तुम लोगों को एक बार तो भाई ऑफर रिजेक्ट किया, इसका मतलब ये थोड़ी तुम लोग मुझे घेर के मारोगे, अबे कोई बचा लो यार। भाई भाई साचा अब एक सेकंड, कौन है आप मोहतरमा, ओके ये तो इलाइटफुल की लॉरेली है, ओके तो आप मेरे को बचाने आए हो, हाँ वैसे मैं भी अपने आप को बचा सकता था बट कोई बात नहीं, आप आ गए तो अच्छी बात है, मुझे बस एक बंदे को किल करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई पिकाचू इसको तो एक लात से हरा देगा, ये देखो लात मारा दूसरे लात मारा एंड ख़त्म भाई, लथिया लथिया के इसको भगा दिया एंड भगवा अब तुम सभी लोग। हाँ तू मुझे बता, तुझे भी ज़्यादा भगने की जरूरत नहीं है, तू भी निकल, हाँ निकल ले भाई निकल ले, मैं पोकेमॉन में आके देखो काट के जाऊँगा। एंड फिलहाल अभी मुझे बस आगे जाना है, लेकिन एक सेकेंड लाइट अप करते हैं और मेरे दिमाग में एक बत्ती जली कि भाई मैंने एक काम नहीं किया है, चामंडेर आस ही पास मिलता है कहीं पर बट मैंने चामंडे को कैच नहीं किया है, तो अब मुझे उसको कैच कर देना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ पर भाई पता है चामंडे का कैच रेट कितना है, बिकॉज 100 से मतलब सिर्फ और सिर्फ 100 में से 1% है चामंडे का कैच रेट। एंड जब हम ल्यूर ओपन कर ले, ल्यूर मतलब एक ऐसा चीज जो कि रेयर पोकेमॉन के स्पॉन को बढ़ा देता है, उसको ओपन करने के बाद भी 100 में से बस एक पोकेमॉन चामंडे स्पॉन होगा, तो मुझे 10-15 मिनट इधर पर वेट करना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैं 10-15 मिनट तक वेट करता रहा और फिर मुझे मिला एक चारमैंडर, या चारमैंडर एंड फाइनली मेरा चामंडे भी यहाँ पर आ चुका है एंड मैं अभी से कुछ बैरी खिला के एक ही पोके भाई नखरे मत दिखा, एक ही पोकेमॉन में कैच, यार सर फोड़ देना मेरा, ओके अब आएगा, आ गया आ गया, नखरे हो तो चामड़े जैसा वरना ना हो भाई, ना हो वरना चामड़े जैसा नखरा हो, ओके इस बार आएगा क्या, ओ भाई इसके तारीफ कर दिया आ गया। बट अभी मुझे यहाँ के केव में कुछ बंदों को हराना है, ओके तो एक लेजेंडरी ट्रेनर है भाई केव के, लेजेंडरी हाँ लेजेंडरी पोकेमॉन स्लोपोक है इसके पास, लेजेंडरी ट्रेनर के पास एंड मुझे इस लेजेंडरी पोकेमॉन को हराना है। तो भाई एक जीपी जब काफ़ी हो गया एक लेजेंडरी गॉड पोकेमॉन को हराने के लिए, ओके गॉड ट्रेनर्स हार चुके हैं एंड अभी कुछ नल्ले बल्ले ट्रेनर्स यहाँ पर बाकी है जो कि कुछ बेकार पोकेमॉन लेके आते हैं। भाई गॉड ट्रेनर को तो हमने हरा दिया एंड फिलहाल मुझे मिल चुका है इसी तरीके से बाहर का रास्ता एंड यहाँ पर आ चुका है लेवेंडर टाउन। एक सेकंड दीदी जी आपको क्या काम है,
ओके इसके पास पिकाचू है, ओके जा मेरा पिकाचू इसको हरा दे। एक सेकंड, पिकाचू मेरी बात नहीं मान रहा। अरे पिकाचू अटैक कर, ला 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 ला, नहीं पिकाचू ठटके नहीं है, तू अटैक करेगा। यस यस पिकाचू घुस चुका है। एक फीमेल पिकाचू को देख के मेरा पिकाचू बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। पिकाचू हमला कर। भाई मान जा मेरी बात, अब तो निकल। हाँ ठीक है, बहुत सही, नॉट ठटकी पिकाचू, ठीक है। मेरी तरह मेरा पिकाचू भी सख्त लौंडा है। एंड अभी मेरे चार्मेलियन भी बीच में इवॉल्व हो रहा है, बहुत सही भाई, गुड चार्मेलियन। बट अभी ये मेरी बात नहीं सुनने वाला। चल छोड़ कोई बात नहीं, हम लोग आगे जाते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग आ चुके घोष टावर के पास। एक क्यूबॉन क्या कर रहा है भाई, अंदर क्यों जा रहा है मेरे भाई? गैरी तू भी इसके पीछे क्यों जा रहा है भाई? घोष टावर भाई भूतिया टावर है, सारे भूत पकड़ के कुत्ते की मौत मारेंगे तेरे को, निकल ले। शायद इसको पता नहीं है घोष टावर है। कोई बात नहीं, मुर्दों के लास्ट देखते पता चल जाएगा इसको। अरे भाई हाँ, नर्चे मेरे प्यार से पूछो, उसको हील कर दो। एंड बताओ यार वहाँ पर कौन से घोष मिलता है, हमें पता चले ना। एंड दिया अभी मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे गैरी को ढूंढना है भाई। गैरी किस लिए गया यहाँ पर? लेट्स गो गैरी, गैरी इज द बेस्ट। एंड मेरे चार्मेलियन कितना लो लेवल का है भाई, लेट्स गो। अब तो भाई गैरी को बीट करके पता नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर मत जा यार, तो लेट्स गो। तो गैरी कहाँ पर है भाई? भूत के ओके हाँ चलो ठीक है। हेलो गैरी क्या कर रहा है? ओके यहाँ मैं तो अच्छा, क्या मेरे पोकन मर दिए साले? ये बोले मेरे पोकन मर चुके हैं। नहीं मरे भाई, मैं यहाँ पर बस तुझे देखने आया कि तू मर चुका है या जिंदा है। भूत ने तेरे को पकड़िया है नहीं, बट कोई बात नहीं, इसके सारे पोकन को तो मैं वन दो शॉट ही उड़ा दूंगा। चलो दो पोकन गया इसके, तीसरा पोकन बेकार वाला भी क्या भाई। एंड अब तो भाई तू कुछ नहीं कर सकता। वैसे हाँ किबोन यहाँ पर ऊपर गया, चल हम लोग जाके तो देख सकते हैं कहाँ गया है किबोन, पता चले भाई इसे कोई भूत भूत पकड़ ले। चला जा, वैसे वो खुद भी भूत जैसा ही दिखता है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं जाके। मुझे थोड़ा डर वर नहीं लग रहा, बट थोड़ा गला सूख रहा है। पानी वानी है तेरे पास? एक सेकेंड, ओ भाई इसमें डरा नहीं हुए, पिकाचू डर गया। तू कहाँ चला गया मेरे को छोड़ के? अब किबोन नहीं, मैं नहीं डर रहा भाई, डोंट वरी। ओके निकल लिया ये किबोन, मैंने तेरे को बचा लिया, देख कोई बात नहीं किबोन, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। ऐसे यहाँ पर घूमू क्या मैं? भूत कहाँ से आ गई है? अरे मैं मत पकड़ो भाई, मत पकड़ो। ओके देखा मेरे आसपास साथ ही भूत भाग गए भाई। भूत मुझसे डरते नहीं डरते, ठीक है भूत मुझसे नहीं डरते, मैं उनसे डरता हूँ, ठीक है। मुझे बहुत पड़ती है भूतों से, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं दूसरे सिटी निकलना चाहता हूँ, बट ये टीम लोग क्या कर रही हूँ कि इनको मुझसे फौजी को ढूंढना है जो कि टॉप फ्लोर पर है, लेकिन घोष उनको जाने नहीं दे रहे। अब ये मत कहना कि तुम लोग इस किबोन को किडनैप करने वाले हो। भाई मेरे पिकाचू को पीछे पड़ो ना भाई, पिकाचू को किडनैप करो साली, कौन से पोकन ले जा रहा तुम लोग? शर्म नहीं आती क्या? पिकाचू की इज्जत ही नहीं है भाई मेरे पिकाचू की, ये लोग पिकाचू के पीछे पड़ ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, वैसे किबोन को बचाना तो पड़ेगा ही। एंड उससे पहले आई थिंक कि मुझे जल्दी से कुछ ट्रेनर्स को भी बीट करना पड़ेगा। एंड ये मेरे क्रैबी को देखो, मतलब इसकी मूवमेंट कितनी अच्छी है क्रैबी। अबे अबे एक सेकंड मुझसे आगे चाहे तेरा मेरा किधर जा रहा है ये? ओके समझ ही नहीं आ रहा, क्रैबी तो कर क्या रहा है भाई? मेरे जान से पहले जा रहा, कभी मेरे पीछे रह रहा, कभी आगे जा रहा, कर क्या रहा है क्रैबी? बहुत अजीब है भाई बहुत। एक सेकंड क्या हुआ था यहाँ पर? ओके काफ़ी सही है क्रैबी। सुन वो टीम वगैरह के पास जब हम जाएंगे ना, उनको भाई बहुत काटना तू जाके, ठीक है उनको काट के हरा देना तू। ओके मोहतरमा क्या प्रॉब्लम है आपको? लो जो भी प्रॉब्लम है उसका हल। एंड ओ भाई कितने सारे ट्रेनर यहाँ पर मुझे परेशान कर रहा है, बट कोई बात नहीं, सबको हराएंगे एंड हम लोग जाएंगे अपने सफर पे आगे। तो लेट्स गो एंड या मैं आज को यहाँ पर सर्डन सिटी के अंदर जहाँ पर टीम रॉकेट ने कब्जा कर रखा है, बट यहाँ पर मेरे को एक स्पेशल अटैक पिकाचू को सीखने का मौका मिल सकता है, जो कि है फ्लोटी फॉल, जिससे मैं पिकाचू आसमान में बैलून लेके उड़ेगा एंड फिर दुश्मन को आके लात मारेगा मुंह पर, वो भी नाक फोड़ देगा। एंड फिर भी देख मेरी बात सुन ले, यहाँ पर जितने भी टीम रॉकेट के मेंबर होंगे ना, उनको तो पहले काटेगा, ठीक है जाके सुन लिया ना तूने? लेट्स गो कैबी, मतलब क्रैबी। तो चलते भाई, फर्स्ट टीम रॉकेट का मेंबर आई थिंक यहाँ पर होगा। ओके साले मेरे बॉस को पकड़ा ना, काट डालूंगा साथ का, फटम कर डालूंगा तेको। ओके क्रैबी ने अच्छा ही उनको वो दिया, ठीक है। एंड अभी बस मुझे इस लौंडे को आना है। ओके एंड ये हार चुके यहाँ पर, एंड अभी ये निकल लेगा बॉस को बताने, एंड मुझे यहाँ से पोस्टर को खोलना है, मुझे पता है ऑलरेडी, बिकॉज मैं एज चैम्पियन हूँ भाई। तो चलते भाई टीम लोकर को बीट करने। एंड यहाँ पर हिडन वेज में चलो, ये लड़की है क्या? मैं यहाँ पर क्या करने आऊँ? नहीं मैं टीम रॉकेट को हराने का बोल दूँ कैसे? चल बोल ही देता हूँ, क्या उखाड़ लगी मेरी, मैं ऐश कैसे हूँ। हे नाइस एटीट्यूड, आई लाइक दैट। मैं तेरे बॉस को पीटने पाटने आया, तुझे मतलब तू मेरे बात को एटीट्यूड को लाइक कर रही है, वाह भाई। इसे बोलते गद्दार मेंबर्स, ये मेरे को सैड भी दिया टीम रॉकेट का, खुश हो के गद्दार एकदम। बट कोई बात नहीं, तुझे तो मुझसे बैटल करना चाहिए था, आप करोगे बैटल? या
ये असली मेंबर है टीम रॉकेट के, कमीने एकदम कमीने मेंबर टीम रॉकेट के, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पर सबको हराया एंड पिकाचू के साथ मिलके इनका चाबी भी लिया, जो कि सीक्रेट के था, सीक्रेट के नहीं था, डोर लिफ्ट के था हाँ, एंड जिसके साथ मैं जियोवानी तक पहुँच सकता हूँ। तो जियोवानी साल अभी मैं आ रहा हूँ तेरे कच्ची गीली करने, मतलब गीली करवाने, ओके। एंड या अभी आ चुका है, बट एक सेकेंड, तुम लोग भोसरी वाले ये मतलब ये भूले नहीं भाई अभी तक गाली देते बोले कोई बात नहीं, ऐश कैचअप गाली भी देता है बीच बीच में जो कि कट सीन हो जाता है, कोई बात नहीं। एंड या यहाँ पर क्या हो चुका है कि ये लोग हार चुके हैं एंड पिकाचू भगा इनको, साले यार भाग नहीं रहते, चलो सही बात है। एंड चल के अभी जाके हराते हैं इनको। सबसे पहले तो मुझे आर्चर से ही बात करनी पड़ेगी, ये आर्चर है जो कि नीला हेयर वाला है, जो कि मेरी हेयर इसने कैपी कॉपी कर ली है, कैपी नहीं, तो इसको अभी हराना है। सो लॉन्डे चल आ जाए, इसका फर्स्ट पोकेमॉन है वाइजिंग, सो मेरे पास भी है पिकाचू। तो पिकाचू यूज थंडर वन शॉट में, भाई खंडन पहुंच नहीं हरा पाए वन शॉट में, क्या हुआ पिकाचू कमजोर है मेरा, कोई बात नहीं पिकाचू मरना मत जस्ट मेरे भाई, ओके अब तो हार गई, ओके फाइनली। और इसका जूबैक तो वन शॉट ही जाएगा, नहीं गया यार बेइज्जती, पिकाचू लौट आ जा, तू कुछ नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। एंड अभी मुझे बस आना इस जियोवानी को, साले तेरी हिम्मत कैसे होगी, ओके इसने कहा कि अगर मैं इसे हरा देता तो क्यूबॉन को दे देगा मेरे पास वापस से, एंड ऑफ कोर्स ये मेरे को एक रिवॉर्ड भी देने वाला है, ओके लेट्स गो। अब भाई इसको हराना बनता है, इसका फर्स्ट पर्सन है, कोई बात नहीं पिकाचू इसे ख़त्म कर दे भाई, एक एच पी पे बच के पिकाचू ने इसे मारा है भाई। एंड क्रैबी ने इसका दूसरे पोकेमॉन को, एंड दो सेकंड में तो बीट हो गया भाई एक बच्चे से, चल ये ओह ये मेरे को फ्री का ये आइटम दे रहा है, इससे के साथ मैं भूतों को देख सकता हूँ। और अभी यहाँ से निकाल भाई बैटल, हाँ दोबारा कर लेंगे तेरे को पिटना है तो। एंड क्यूबॉन भी चल जा चुका है लेवेंडर टाउन में, एंड फिलहाल मेरे पिकाचू को याद से सीखना है सीक्रेट टेक्निक ऑफ स्काई डैश, जिससे मेरा पिकाचू हवा में उड़ सकता है। चल क्रैबी अभी जाके काटना इन इरिका के जिम लीडर के चमचियों को, सो लेट्स गो। एंड यहाँ पर जिम तो काफ़ी सुंदर है, बट यहाँ के जिम लीडर के पोकेमॉन अच्छे नहीं है भाई, बहुत गंदे दिखते हैं सारे। तो पिकाचू के नया मूव जो मैंने तुम्हें बताया था, बैलून लेके आसमान में उड़ता है एंड एनिमी के मुंह पे लात मारता है, तो ये वाला अटैक है वो। बाय द वे मैंने काफ़ी सारे ट्रेनिंग कराया एंड मैं आ गया यहाँ पर इरिका के पास जो कि यहाँ के जिम लीडर है। तो ऐश कैचम मैं हूँ, मतलब मैं हूँ ऐश के जिम एंड मैं तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ इरिका। भाई इतना टाइम स्टाइल मारने में कौन बिताता है भाई, सच बताओ भाई लड़कियों के बहुत नखरे होते हैं। बाय द वे जो भी हो इसको भाई इतना टाइम इसने बस स्टाइल मारने में बिता दिया, तो कोई बात नहीं चल आज बैटल करते हैं। भाई जब इसका फर्स्ट पोकेमॉन आई गेस टैंगला, मुझे ग्लूम लगा था इसके पास तो एक ही पोकेमॉन होना चाहिए था, कोई बात नहीं मैं भी तीन ही पोकेमॉन लेके आया हूँ तेरे को हराने। हाँ तो भाई इसको हराने के लिए मुझे सबसे पहले इंबर यूज़ करना पड़ेगा, एक इंबर में इसका पोकेमॉन जल के मारे क्राक खाक नहीं हुआ जल के मारे कैस कैस अभी तुझसे ज़्यादा डैमेज है 4 मिलियन भाई, तुझसे ज़्यादा डैमेज है 4 मिलियन तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, कोई बात नहीं मेरा पीका चौराएगा। एंड हवा का थप्पड़ किक, हाँ इसका दूसरा पोकेमॉन है आई थिंक पिकाचू इसे वन शॉट ले जा सकता है, चल पिकाचू वन शॉट करेगा तू इसे, लेट्स गो पिकाचू। मेरे पोकेमॉन वेस्ट हैं, कोई बात नहीं इसने मूव नहीं कर पाया तो पिकाचू इस बात को इसे ख़त्म करना ही पड़ेगा, तो पिकाचू जाओ उसे ख़त्म कर दो, ओके अब तो सही किया भाई पिकाचू ने। एंड लास्ट पोकेमॉन इसका है आई गेस ओके ये था भाई, इसने अपना ग्लूम को इवॉल्व करवा दिया यार वाइल्ड ग्लूम में, चलो सही बात है वन शॉट जो तेरी इज्जत ही नहीं है, कोई बात नहीं पिकाचू को पूरा मैं संभालना पड़ेगा सबको पीट पाट के। और इसके तीनों पोकेमॉन को खा लिया मैंने एंड ये हार चुके हैं, एंड पिकाचू मिला ले हाथ भाई तूने सब कुछ किया इस जिम में एंड जिम में ले लेते हैं। एंड भाई देखिए फिलहाल मुझे लेवेंडर टाउन के अंदर घोष को पकड़ना है, ओके टीम रॉकेट ने उस किबोन की मम्मी को मार दिया है इसको सील करने के लिए उसके पार्ट्स को एंड पैसे कमाने के लिए, वाह इतने खतरनाक है। एंड गैरी को अभी जाके मिस्टर फौजी को बचाना है एंड उस किबोन को भी घोषार से वापस लाना है। चल गैरी चल हम दोनों मिलकर जाते हैं भाई, हम लोग दोस्त है यार, दोस्त दोस्त का काम नहीं आता तो किसके काम आएगा, पड़ोसी के दोस्त दोस्त के काम आता है। चल एंड तू डर मत मैं हीरो हूँ ना, मेरे पास एक ऐसा स्कोप है जिससे हम सारे घोषों को देख सकते हैं, देखा ये घोष से पोकेमॉन है भाई, डर रहा था तू इससे अगली बार सबको पता तू डर रहा था, तेरे साउंड कपड़े थी भाई गैरी, मैं तो भाई डर के हरा था यहाँ पर, बट हाँ मुझे यहाँ पर कुछ रक्षकों को हराना पड़ेगा जो कि यहाँ पर रक्षा कर रहे हैं पता नहीं किस चीज़ की, बट हाँ इनको हराना पड़ेगा जिनके पास बस असली हंटर हैं गैंगार लेने की औकात नहीं इनकी। एंड उसी बीच मेरा क्रैबी इवॉल्व हो गया अपने फाइनल स्टेज किंगलर में, या किंग द किंग आई लाइक दिस पोकेमॉन आल्सो। एंड या फिलहाल मुझे बस इस घोस्ट का दम निकालना है, तो किधर है घोस्ट, इधर आ मैं डरता नहीं भाई तेरे से, ओके पीछे से आ गया घोस्ट
हाँ यम। एंड अभी इसको देखना अपना गैरी ओवर एक्टिंग करेगा। ये देखो मैंने इसे कहा था थोड़ा बहुत डरने की एक्टिंग कर लेना ताकि ऑडियंस को मजा आ जाए, लेकिन ये ओवर एक्टिंग करने में बैठ गया। बट कोई बात नहीं, चल हम इस घोस्ट को फाइंड करते हैं कौन है। एंड ये है मैरोवैक। ये इमोशनल सीन इतनी बार मैंने देखा है कि अब तो रोना भी नहीं आता यार, लगता है आँखों में नकली आंसू लगाने पड़ेंगे। चल चल चल, हाँ हो गया, तेरी मम्मी उड़ के चले गई कीमोन। एंड अब गैरी तेरे को पालेगा, मुझे पता है ये चीज़ ऑलरेडी। तो गैरी इसे ले ले, मैं तो जा रहा हूँ मिस्टर फोजी के बच्चे आने। तो मैं सही मिस्टर फोजी के सामने, ये तुम तीनों कौन हो? टीम रॉकेट। ओके, आज तक मिस्टर फोजी ने कभी टीम रॉकेट की बॉस की हेल्प की थी म्यूटो बनाने में? या इन्होंने म्यूटो को क्रिएट किया था भाई? बट जो भी ये टीम रॉकेट इन सब हेल्प मांगने आई है, क्योंकि ये करने नहीं वाले, तो भाई मुझे इनको जल्दी से हराना है। एंड ये लोग ख़त्म हो चुके हैं, एंड अब मुझे मिस्टर फौजी को खड़े ले जाना है। तो मिस्टर फौजी उठ जाइए। या ये यहाँ पर आए थे इस घोस्ट को मतलब शांत कराने, जो कि यहाँ पर सबको परेशान कर रहा था, बट मैंने वो कर चुका हूँ। तो ये मुझे अपने घर चाय पानी पिलाने लाए हैं, और चाय पानी के बहाने मैंने इसे उधारी में पोके फ्लट ले लिया। आई नो मैं बहुत कमी ना हूँ, बट मुझे इसके साथ नीचे का एक पोकेमॉन कैच करना है, और वो पोकेमॉन तुम गैस करो कौन सा है। अगर तुमने गैस किया है वो है स्नोलेक्स, तो तुम स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज मैं स्नोलेक्स को बस कैच करने वाला हूँ, मतलब टीम में एडवाइड नहीं करने वाला हूँ। मुझे स्नोलेक्स पसंद था। अबे उठ जा बे, भैंस के सामने बीन बजा रहा हूँ क्या मैं? उठेगा? ओके उठ गया भाई। इतना देर लगता है भाई इस भैंस को उठने में, कोई बात नहीं स्नोलेक्स, तुझे तो भाई मेरा एक ही चार्जर्ड वन पंच में आ देगा। बट पिकाचू भी सही है तेरे लिए। चल खत्म। एंड इसको मैं कैच करूँ या ना करूँ मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज मैं इसको टीम में तो ऐड नहीं करने वाला, बट कर ही देते। चलो भाई सबसे पहले इसको बकर को खाना खिलाते हैं, पता चले खाना खाने के बाद ही मेरी टीम में आने को मान जाए। ओके अल्ट्रा बॉल यूज़ करना पड़ेगा, ये बहुत पावरफुल है भाई, इतना रेड। ओके ऑरेंज लाइन तो हुआ है, चलो वन शॉट ले कैच हो जाएगा। 1 2 3 हो जा। अबे भाई इतना बेइज्जती तो कोई और नहीं करता भाई, चल हो जा, अब तो एक्सीलेंट है, अब तो होना चाहिए तू कैच। ओके दैट्स गुड। एंड या इसको मैं टीम से निकाल देता हूँ, बिकॉज ये मेरा मेन टीम मेंबर हो नहीं सकता, बिकॉज मैं नेक्स्ट पोकेमॉन जो मेरे को मिलेगा, जो मैं यहाँ पर ढूंढने को आया हूँ, वही मेरा होगा टीम का मेंबर, जो कि है ये टोरोस। या ये टोरोस जो कि मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज मैं इसके ऊपर राइड कर सकता हूँ। ओके टोरोस, सो लेट्स कम ऑन माई टीम। आ जा या सो फाइनली टोरोस यहाँ पर आ चुका है। एंड यहाँ पर मैंने बाई दी काफ़ी देर तक ट्रेनिंग की, जिससे मेरा पिजी ओटो अपने फाइनल स्टेज पिजी ओट में इन्वॉल्व हो गया था। एंड उसी बीच कुछ और ट्रेनिंग के बाद मेरा चार मिलियन भी अपने फाइनल स्टेज चैरी सैड में इन्वॉल्व हो गया, जो कि लुकिंग में तो ऑसम है। एंड या इसके ऊपर मैं अभी राइड भी कर सकता हूँ, बट मुझे टोरोस राइड ज़्यादा पसंद है। एंड या मैं इसी साइड से नीचे की साइड कोका के जिम में जाने वाला हूँ, बिकॉज ऐश यहाँ से गया था, हाँ यहाँ से साइकिलिंग करते करते, बट हम लोग उड़ उड़ के जाएंगे भाई यहाँ से, डोंट वरी, अपन लोग कोई परिंदे हैं, मैं आज़ाद परिंदा आसमान में उड़ता हूँ यही। एंड कुछ ही देर तक टोरोस की राइड भी कर सकते हैं अपन लोग। एक सेकेंड नीचे उतार भाई, हाँ सही बात है। एंड टोरोस की राइड करते हम आ गए सफाई जोन के पास। एंड ऐसे यहाँ से कैच किया था, बट यहाँ पर सफाई जोन है ही नहीं, पोकेमॉन को पार किया भाई। जब पिकाचू के नए दोस्त मिल गए, देखो स्लो भाई पिकाचू का दोस्त, ये कैंगू एंड कैंगू का बच्चा, जो कि क्यूट तो है भाई। एंड मेरा पिकाचू इतना स्लो कि भाई इन दोनों के पीछे पीछे पड़ गया भाई, इंसल्ट करवा दी इसने। एंड ये देखो मेरे पास भी टोरोस है, लेकिन नहीं ये इससे लड़ेगा, मेरे टोरोस से नहीं लड़ेगा, कमीना पिकाचू है। एंड ये पिकाचू का बेस्ट फ्रेंड है येल्लो येल्लो मित्रा। ओके एंड वेफा पिकाचू वापस आ जा भाई, इतने टाइम से खेल रहा है तू। एंड भाई वे फिलहाल मुझे यहाँ पर अपने पिकाचू को कुछ अटैक सिखाना है। एंड भाई वे पोकेमॉन को पाकर जा सकते, तुम पोकेमॉन को से अपने पोकेमॉन टेलीपोर्ट कर सकते हो यहाँ पर, बट पोकेमॉन को मेरे पास कोई अच्छा पोकेमॉन है नहीं, मैं क्या ही करूँगा। पर मैं भी कह चुका यहाँ से सर्व तो सिखा सकता हूँ, लाइक सीक्रेट टेक्निक ऑफ सी स्कीम, तो यहाँ सीख चुका है। एंड अभी मुझे बस कोका को चैलेंज करना है, बट उससे पहले काफ़ी ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ट्रेनिंग करने के बाद मैं आ चुका कोका को हराने। एंड यस कोका, अब मैं तेरे को पीटने वाला हूँ, तो सफाई जोन हम जो भी है। एंड ओ शिट, क्या मुझे कोका के जिम को चैलेंज करने के 50 स्पीशीज के पोकेमॉन को कैच करना पड़ेगा? एंड मेरे पास बस 28 है। ओके तो अभी मुझे पूरे मैप घूम घूम के पोकेमॉन्स को ही कैच करना होगा, सो लेट्स गो। तो यहाँ से आई गेस मेरे को क्या साइडक मिला, रैपिडैश मिला, फोनीटैन, जैसे जैसे पोकेमॉन मैंने यहाँ से कैच किए। एंड मैंने बहुत अलग अलग जगह से भाई अलग अलग पोकेमॉन कैच किए थे। एंड ईवी भी यहाँ से मिल गया था मेरे को। एंड यहाँ पर मैं घूम रहा था ना, लकी मेरे को भाई यहाँ से फ्री का चामड़ा मिल गया, मतलब किस्मत इतनी कैसे अच्छी, 10 मिनट 15 मिनट के बदले आपको फ्री में मिल रहा है, चल कोई बात नहीं। एंड भाई जी फिर मैं यहाँ पर आया जहाँ पर मुझे जियोडूड, पैरिस एंड क्लफेबल जैसे पोकेमॉन मिल गए, तो मैंने सबको यहाँ से कैच किया। एंड फिर मैं यहाँ पर घूम ही रहा था, अचानक मेरे को एक शाइनी रेटिकेट दिखा, तो मैं यहाँ तो कहा कि ऐस ने बटरफ्री को रेटिकेट के लिए एक बार ट्रेड किया था, तो ऑफिशियली तरीके से रेटिकेट कुछ टाइम के लिए ऐस के पोकेमॉन था, तो ऑफकोर्सली आई कैन कैच शाइनी रेटिकेट ऑन माई टीम। टीम में तो नहीं भाई, पीसी में तो रख ही सकता हूँ,
क्योंकि ऐश ने उसको कुछ टाइम पहले तो कैच करके मतलब अपने टीम में रखा ही था। एंड भाई जो मैं कुछ देर तक रैपिड एश की भी सवारी की है कि बिकॉज ऐश ने भी ऐसा ही किया था, तो भाई ऐश के नक्शे कदम पर चलते चलते मैं यही सब सीख रहा हूँ। एंड भाई जो भी ऐसे मैंने कुछ और पोकेमॉन को कैच कर लिया एंड मैंने फाइनली 51 के पोकेमॉन को कैच कर लिया है। एंड बाकी यूजलेस पोकेमॉन को मैंने सेंड कर दिया है प्रोफेसर ओक के पास। एंड अभी तक मैंने 117 पोकेमॉन को प्रोफेसर ओक को सेंड कर चुका, मतलब प्रोफेसर ओक तो भाई मालामाल हो चुके हैं पोकेमॉन के बिल्कुल। भाई दी भाई यहाँ पर मैं कोका को हराने के लिए अपने इन चारों पोकेमॉन का यूज़ करने वाला हूँ। एंड कोका भैया रेडी हो जा भाई पिटने के लिए अभी तो। ओके लेट्स गो फॉर द कोका स्टीम। एंड यहाँ पर कुछ कचरा है, मतलब कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनको मुझे हराना पड़ेगा, तो भाई सब वन शॉट ही जाएंगे। हाँ मेरा टोरोस एंड मेरे बाकी सारे बर्ड से। भाई जी अब बारी है कोका की, तो भाई तू आ जा यार यहाँ से। एंड इसके घिसी पेटी यार जादूगरी दिखाता है चार बन के, मैं चार के भाई नारुतो को लाऊंगा ना यहाँ पर 1000 क्लोन्स बना देगा तेरे को भाई। मतलब क्या ही बोलूँ यार, नारुतो सीजन देख लेना इसने कोका, मतलब यही बेहोश हो जाना है इसको। तो कोई बात नहीं कोका जाकर नारुतो देख, मतलब मैं तेरे को हराता हूँ। भाई जी इसके पास वीजिंग है, मेरे पास भी भाई पीकाचू एंड सॉरी पीकाचू नहीं फ्लाईकाचू जो कि मेरा पिजियोट। एंड इसके पास है फ्लाई जो कि बहुत ही पावरफुल अटैक है, हाईएसी अच्छे को वन शॉट कर लेगा। तो भाई टॉक्सिक अभी हवा में कैसे टॉक्सिक लगेगा, लग गया क्या टॉक्सिक। एंड प्रोटेक्ट भाई ये प्रोटेक्ट क्यों यूज़ कर रहा, मतलब टॉक्सिक करके प्रोटेक्ट कर रहा ताकि भाई मेरा अटैक इसके ऊपर ना लगे। वाह बेटे फ्री में हराना चाहते हैं मेरे को, कोई बात नहीं इस पार्ट वाइज तो पिटने वाला है। अगेन स्लडबा मिस एंड अब तो पिटेगा ये, क्या मतलब फिर से भाई यार कोगा तो बहुत कमी ना है। तो अब मैं रेस्ट करूँगा मजे से, ओके मेरी आधी एच पी से हो चुकी है, आधी से कम बट मैं रेस्ट कर सकता हूँ आराम से। और पूजन भी हट गया, ओ शिट इसने ब्लास्ट कर दी भाई, इसने सोचा होगा कि मेरी आधी एच पी हो चुकी है ब्लास्ट ख़त्म कर देगा, बट नहीं भाई नहीं, मेरे पास रेस्ट था एंड ख़त्म फ्री पोकेमॉन एक। एंड इसके मक को तो मेरा टोरोस ही ख़त्म कर सकता है अपने थ्रास अटैक से। तो भाई पहले तो एक ही शॉट में गया एंड ओके एक और बच गया भाई, अब कैसे बचेगा मक तो पोशन कर दिया, बट दूसरे थ्रास में मौक गया भाई। बहुत सही बात है, कचरे का डब्बा निकल यहाँ से। एंड जू बैट जो कि वन शॉटली पिकाचू के जीपी से आपसे निकल जाएगा, तो लेट्स गो पिकाचू। भाई इतना प्रोटेक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं ये लोग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पिकाचू भाई दूसरी बार यूज़ कर एंड इस बार तो जीपी से आप लगना चाहिए। ओके खत्म वो वन शॉट। एंड इसका लास्ट पोकेमॉन अभी बाकी है एंड आई थिंक उसका लास्ट पोकेमॉन गेंगार नहीं ओके वेनम होता है, ये एनिमे के अंदर भी तो वही था ना। अबे भाई साहब कर क्या रहे हो तुम लोग, फायर पंच खाओ ना यार, सिर्फ प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट भाई सर हर पोकेमॉन को तो प्रोटेक्ट ही करवा दे साले। ओके ख़त्म भाई 40,000 तेरी पावर कितने कम है यार, कोई बात नहीं 40,000 यूज फायर पंच प्रोटेक्ट। हाँ ये यही कर लो तुम पहले, यही कर लो कोई बात नहीं 40,000 यूज फायर पंच। ओके कर ले भाई बहुत सही बात है। तो फाइनली कोका का वेनम और भी फिट चुका है हमारे हाथों एंड अभी हम पिकाचू मिला ले हर भी को हमको मिल चुका है न्यू चिम बैज। एंड अभी भाई तो भाई हम लोगों को पोकेमॉन सेंटर में थोड़ा हील वील कराना है पोकेमॉन्स को। एंड यार दिस इज माय टीम एंड आई थिंक ये कंप्लीट हो चुकी है पूरी की पूरी, और अभी बस हम लोग को हराना है सबरीना को। सो उसके लिए मुझे बस क्या करना है सीक्रेट टेक्निक ऑफ स्काई डस्ट से जाना पड़ेगा उस सिटी में। एंड यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ब्लॉक से टी ले ली थी सैलेडन सिटी से मुफ्त में बिल्कुल, तो उसका इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पर जाना है अभी। तो लेट्स गो पड़ी। एंड यहाँ पर आने के बाद मुझे यहाँ पर लिटरली कुछ टीम रॉकेट ग्रंथ दिखे एंड टीम रॉकेट के लौटने भी। एंड जैसे हम जेम्स को यहाँ पर जाने ही दे रहे थे बिकॉज ऑथोराइज पर्सन यहाँ पर जा सकते हैं, बट हम जैसे ही कहा मानने वाले भाई हटा दिया भाई इसको। एंड जेम्स भाई जैसे के पीछे पीछे भाई इसको और हटा दिया, मतलब भाई इज्जत नहीं है तुम्हारी भाई, गार्ड हो तुम गार्ड हो कोई बात नहीं। भाई मैंने थोड़ा शहर फहर घूमा एंड अभी बारी है जहाँ पर मुझे टीम रॉकेट को हटाना है। सो एक सेकेंड क्या हुआ, ओके ओके यहाँ पर खतरनाक दुश्मन है एंड मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, कोई बात नहीं ब्लू आ चुका है, ब्लू का आते भाई ये लॉन्डे शॉक ब्लू द लेजेंडरी ब्लू, कोई बात नहीं हम लोग हराएंगे। भाई जब यहाँ पर क्या हो चुका है टीम लोग का कब्जा हो चुका है एंड ब्लू बस हमारा एग्जाम लेने वाला है कि हम इनको हराने के लिए तैयार है कि नहीं, बिकॉज ब्लू यहाँ पर इनको हराने आया था एंड अभी हम दोनों को यहाँ पर परीक्षा मतलब एग्जाम देना है यहाँ पर ब्लू को हरा के। ठीक है तो लेट्स गो, कैरी मैं पहले हराता हूँ तू बाद में हराइयो ठीक है। सो इसको हराने के लिए आई गैस इसके पास दो ही पोकेमॉन है, ओके तो मेरा भाई पिजॉट वन शॉट में एक पोकेमॉन को नहीं उड़ा पाया, चलो दूसरे शॉट में तो ख़त्म कर दियो। एंड इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है यहाँ से 40,000 जो कि भाई इजी थी कि वन शॉट ही जाएगा मेरे। ओके क्रैबी का हाथ, चल क्रैबी अपना हाथ उठा के मार इसको, अबे नहीं भाई क्रैबी हाथ उठा भाई, ओके हाँ वन शॉट चल ये है तू लेजेंडरी ट्रेनर ब्लू। भाई इसने अपना स्ट्रॉन्गर पोकेमॉन यूज़ नहीं किया मेरे सामने, मैंने काफ़ी स्टाइलिश किया भाई, मैं तो फैन भाई ब्लू का।
एंड बाय द वे लेट्स गो, तो इसको हरा दे अभी फिलहाल, बिकॉज मुझे तो भाई टीम लोगों को बीट करने जाना है, सो लेट्स गो। एंड यहाँ पर थर्ड फ्लोर पे मुझे जाना है सबसे पहले, तो लिफ्ट है यहाँ पर, तो लिफ्ट से चलते हैं। 35th, हाँ फिफ्थ आई गेस, फिफ्थ, हाँ फिफ्थ फ्लोर पे जाना है अभी हमें, सो लेट्स गो फॉर फिफ्थ फ्लोर। एंड यहाँ पर फिफ्थ फ्लोर पे आने के बाद आज, एंड यहाँ पर एक टीम लोग बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं लौंडो मैं तेको हराऊंगा। अबे कैरी तेरा बैटल इतना तो खत्म भी हो गया, सही बात है यार, चल मिलके इन लोगों को हराते डबल बैटल के अंदर, मतलब मल्टीपल बैटल के अंदर। ओके तो इनके पास है इलेक्ट्रोड एंड मक, कोई बात नहीं, अपने पास भी पिकाचू एंड क्लबोन है, जो कि उधर से लिया था इसने, कहाँ से भाई मैं भूल गया, हाँ घोस्ट टावर से लिया था प्रोटेक्ट, कोई बात नहीं, मैं पिकाचू अंडरग्राउंड उसके इसके वोल्टोप को वन शॉट करेगा। चल अबे ब्लास्ट लुल, किसी को डैमेज नहीं पड़ेगा भाई ब्लास्ट से, ये खुद मर गया भाई, इसे बोलते टीम वर्क मेंबर, मतलब थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा मेरा क्लिबोन को, बट कोई बात नहीं। एंड इसका मक तो भाई क्लिबोन से थोड़ा बहुत पिटा, एंड भाई देवे मेरे पिकाचू ने भी एक डिक से ख़त्म कर दिया उसे, भाई नूब भाई, क्योंकि सारे बुकन ऐसे ही मर रहे हैं मारा तो। एंड अभी एक लास्ट बुकन सुबह जो भी वन शॉट भाई, सारे बुकन वन शॉट टू शॉट है गए इनके भाई जी यहाँ, अभी वो लोग निकलो भाई यहाँ से, एक सेकंड, इनने कुछ गिराया था उस लड़की ने, आई गेस कुछ तो गिराया था, ओके हाँ मिल चुका हमें कार्ड की, तो इसके सहारे अभी हम जा सकते हैं कुछ डोर्स को ओपन करके इनके बॉस क्यूवाने के पास, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट को सता रहा है। बेटे अब तो नहीं छूटने वाला तू, लेट्स गो, ओके तू पहले में से आ गए यहाँ पर, गुड भाई बहुत सही है, ओ तो आज वापस आ चुका है, कोई बात नहीं, आज ये मेरा दोस्त है ना गैरी, ये देखो संभालेगा गैरी, संभाल इसको, मैं जा रहा भाई टीम वगैरह को बॉस को ढूंढने, अब तो भाई उसके सामने जाके रुकूंगा, सामने शायद तूफान आ जाए पत्थर आ जाए, कुछ किसी से नहीं रुकूंगा मैं, एक सेकेंड तूफान पत्थर आ गए क्या, ये सर दर्द कहाँ से आते यार हमेशा, बट कोई बात नहीं सालो, इस बार तो नहीं बचने वाले मेरे हाथों से, तो इनका एक बुक, एक बार में इसके एक बुक बोले, दूसरे बार में दूसरा बुक, बाय बाय निकलो अभी, बस मुझे जियोवानी को जाकर काटना है, तो भाई जियोवानी यहाँ से देखो प्रेसिडेंट के साथ बात कर रहा है, लौंडे तेको मारने के लिए मैं आ चुका हूँ, तो प्रेसिडेंट को मत सता, जियोवानी यहाँ देख रहे बाप खड़ा है पीछे, ये देख प्रेसिडेंट, हाँ मैं आ चुका हूँ, मैं यंग ट्रेनर एश यूजन ने तेरे को ऑलरेडी एक बार कुत्ते की मौत पीटा है, तो फिलहाल तो भाई मैं तेरे को मारने के लिए तैयार हूँ, एंड भाई इसका चेहरा देखो भाई कितना डरावना ये, बट कोई बात नहीं, इसका फर्स्ट बुकन है पर्शियन, वही घिसा पीटा पर्शियन लेके अभी तक घूम रहा है क्या जियोवानी, कोई बात नहीं, एक शॉट में दूसरे शॉट में तो हार ही जाएगा ये, एंड इसका दूसरा बुकन है राइहोन, भाई ये भी वन शॉट खत्म खत्म, एंड अभी इसका थर्ड पोकेमॉन आई गेस ओ नीड अ क्वीन वन शॉट, अबे नहीं हो पाया दूसरा शॉट, चलो खत्म, ओके तो दो सेकंड में एक बच्चे से हार गया, चल अच्छी बात है भाग जाए यहाँ से, हाँ भाई बोलने की जरूरत नहीं, भाग यहाँ से भाग, ओके एंड प्रेसिडेंट मुझे मास्टर बोल दो जल्दी से, बातें चाहते बिल्कुल नहीं, पिकाचू को क्यों देख रहा, मास्टर बोल थोड़ा यहाँ पर उसको नहीं दे रहा भाई, ओके हाँ मिल गया मुझे मास्टर बोल, एंड फिलहाल मुझे हराना है इसके जिमेडे को सबीना को, एंड यहाँ पर भाई जिम तो कूल है, वैसे ये सबीना इविल नहीं है ना अभी तक, अगली बार तो फाड़ देती इसने मेरी, बट कोई बात नहीं देखते हैं, ओके लेवल 45 पे पोकेमॉन चाहिए मेरे पास है भाई, एक दो लेवल 45 से ऊपर पोकेमॉन, ओके कोई बात नहीं लेट्स गो, अब जा सकता हूँ मैं, एंड तुम्हें याद है एनीमे जब मैं इसके पास गया था भाई, इसने बिल्कुल पुतला बना दिया था हमारे ब्रॉक एंड मिस्टी को, बट फिलहाल मैं एश कैचम इन सबको, मतलब इसको हराने वाला हूँ इस सबको नहीं, एंड मुझे इसका लोड बिल्कुल से पता है, तो मुझे एक भी ट्रेनर को बीट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं बहुत स्मार्ट हूँ एश की तरह, तो बाय द वे फिलहाल मुझे हराना है सबरीना को, एंड सबरीना लौंडिया अब तो क्रीपी नहीं है ना, अच्छी लौंडिया है ठीक है, क्रीपीनेस बिल्कुल नहीं, ओके चलो बातचीत बहुत हो गई, बैटल शुरू करते हैं ना, ओके लेट्स गो, एंड इसका फर्स्ट पोकल, अबे पोकल इसके हाथ में था ही नहीं, साइकिक पावर इस्तेमाल कर रही थी लौंडिया, सही बात है मिस्टर माइंड, देखने में तो काम का पोकल लग रहा है, एक जिपी जैप मार गया थंडर मार, मैं यही सोच रहा हूँ, लेट्स यूज थंडर आई गेस, ये इससे ही होगा, चल यूज ही कर ही लेते हैं, एक शॉट से मरना चाहिए, मर, अबे नहीं बचेगा ये लौंडा, कोई बात नहीं अब तो खतरनाक अटैक मारा, लाइट स्किन बैठा रहा है तू, लाइट स्किन से स्पेशल अटैक मूव थोड़े रिड्यूस होते हैं, बट मेरे पास हड्डी गया भाई खत्म लुल, लाइट स्किन का कोई इफेक्ट नहीं पाते पे, एंड नेक्स्ट पोकेमॉन इसका स्लो भाई, चल ठीक है स्लो भाई को लाया इसने, मैं इसको आई थिंक पहले सुला देता हूँ आई गेस, हाँ सो जा स्लो भाई, अवॉइड भाई क्या कर रहा है यार तू, अवॉइड भाई यार नहीं तुझसे ना हो पाएगा, साइड को भी अवॉइड करवा रहा है इसको भी, ओके नाइस अब तो भाई सो गया ठीक है, उठ की भी गया भाई, उठ इतना जल्दी कैसे उठ गया, कोई बात नहीं बल्ब शॉट तेरे मौत का मतलब पी कर चूलेगा अपने अजीपी जैप से, एक में नहीं मरा कोई बात नहीं भाई, कन्फ्यूजन से पिकाचू की थोड़ी बहुत बच गई, बट पिकाचू अभी तो इसको ख़त्म कर सकता है, पिकाचू यू जिप जैप, और पिकाचू ने एक ही शॉट में इसे ख़त्म कर दिया, आर आई पी स्लो ब्रो,
एंड अभी इसके पास है आई थिंक जिंक्स, ओके सेकंड पोकन इसका जिंक्स है एंड इसकी दो पोकन ऑलरेडी डिफीटेड है, बट मैंने यहाँ पर उसके दूसरे पोकन को डिफीट कर दिया। एंड क्या एक चीज़ यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पर 6 के 6 टीम लेके आ चुका, मतलब पोकन लेके आ चुका गलती से, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर 4 ही यूज़ करने वाला हूँ, तुम देख लो बस 4 ही पोकन यूज़ होंगे ठीक है। इस मैच के अंदर मैंने गलती कर दी, मतलब गलती नहीं तो मिस्टेक कर दी यहाँ से ठीक है। एंड फिलहाल भाई इसका फोर्थ पोकेमॉन जो की है अलग एग्जाम, इसको मैंने बहुत इजी तरीके से हरा दिया एंड फाइनली यहाँ पर यह हार चुकी है। एंड पिकाचू मार्ताली एंड लेचिम बैच, एंड बाय द वे मार्च बैच हमें मिल चुका है, तो हमें बस यहाँ पर जाना है एक पंछी को ढूंढने। सो लेट्स गो एंड ओ टीम लॉगेट, क्या हुआ भाई पोकेमॉन को पार्क में तुम नहीं जा सकते, बट कोई बात नहीं, एक सेकेंड इनको कुछ मिला है क्या यहाँ पर? ओ ओके क्या मिला भाई इनको? ओके गोल्डन टीथ, जाओ सारे से बेच खाओ यार, अच्छे खास रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो तुम, नहीं तुम मुझे दे रहे हो, अबे कैसे घटी टीम को कहते भाई बेच खाओ भाई से तुम, नहीं क्या चोर बनेंगे यार ये लोग भाई, कुछ किसी काम के नहीं है, अपना पिकाचू के पीछे पड़े ना सोना के पीछे पड़े, सोने का दांत मिला फिर भी नहीं नहीं बेचना इनको, कोई बात नहीं मैं इस अंकल को लौटा देता हूँ, ये आपका ही था ना अंकल, हाँ ये लो सोने के दांत लगाओ भाई, चमकाओ इसे, फ्लेक्स करो मेरी तरह, वैसे मैं नहीं करता फ्लेक्स बिकॉज मेरे पास है ही नहीं सोने का दांत, मैं क्या ही करूँ, मेरे खुद के दांत ही जल रहे हैं, बूढ़ा हुआ मैं, बूढ़ा 80 साल का। एंड अभी ये मेरे पिकाचू को पुश स्ट्रेंथ पुश सिखाने वाले हैं, तो चल भाई सिखा जल्दी से, हाँ ऐसे हाथ से मारेगा कि अब कर दिया, मैं पिकाचू ने सीख लिया भाई सीक्रेट टेक्निक ऑफ स्ट्रेंथ पुश, हाँ तो यहाँ पर पुश करके देख ले पिकाचू शक्ति शक्ति आ गई पिकाचू के अंदर, पिकाचू शक्तिमान बन चुका है, ओ नगट मिला मुझे गोल्डन नगट, सही बात है, अभी भी मुझे बस सी स्कीम करना है कुछ देर तक, एंड सी स्कीम करने के बाद मुझे मिलने वाला है एक अच्छा पोकेमॉन, लेट्स गो सी स्कीम करते करते। एंड मैंने यहाँ पर काफ़ी देर तक भाई उस पोकेमॉन मतलब क्या उसके नाम है लैपिस को ढूंढा, बट वो लैपिस मिला ही नहीं यहाँ पर भाई, उल्टा गिराडोस मिल रहा है जो कि यूजलेस है मेरे लिए, तो लेट्स गो ऐसे निकलते हैं। एंड बाय द वे आई गेस यहाँ पर एक स्क्वाटल मिल सकता है, अगर मिला तो लूंगा मैं, वरना नहीं लेना मुझे स्क्वाटल, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास क्रैब है। और उसके बाद मैं दिन मजदूरी करने लग गया, मतलब दिन मजदूरी करना है ना, अरे बेकार सी चिड़िया भाई, ये यूजलेस चिड़िया कब तक यार, ये देखो मेरे को डराने आई है, मैं चाइजार्ड ने तेरे को ऑलरेडी हरा चुका है, भूल चुके तू क्या गंदा पीटा था चाइजार्ड ने तेरे को, बट कोई बात नहीं इसको मुझसे बैटल करनी है, तो मैं चाइजार्ड एक बार फिर से इसको हरा दे, एक ही शॉट में हराना चाइजार्ड, ओके देख एक ही शॉट चाइजार्ड भाई, क्या चाइजार्ड भाई लगता है जो चाइजार्ड घाटी में छोड़ के आना ही पड़ेगा, ओके पिकाचू ही काम अब करेगा बस, ओके अच्छा डैमेज एंड एक छोटे से आइस से कुछ नहीं होगा, ये लिखा थंडर एंड ये हार चुका है, अब नहीं चाहिए भाई, निकल जा भाई, चाइजार्ड ने ऑलरेडी तेरे को हरा चुका है, चल निकल। एंड फिलहाल मुझे भी निकलने दो यहाँ से, एंड अभी बस मुझे हराना यहाँ के जिम लीडर ब्लेन को, जो कि नेक्स्ट चिनीबार आइलैंड का जिम लीडर है, चिनीबार आइलैंड है जो भी उस आइलैंड का नाम है, जो भी हो साइन का नाम ठीक है। एंड इसके लिए बस मुझे जिम में जाना, जिम लॉक है ओके, उसका की मुझे ढूंढना पड़ेगा फिलहाल, तो लेट्स गो जिम का की आई गेस यहाँ पर मिल सकता है। एंड यहाँ पर ग्राइमर है, मक नहीं है मेरा, मेरा प्यास है मक किधर, ओ ये है मेरा मक, मकू इधर आ मकू हीटा, मतलब मेरा मक, हाँ सो इसको कैच करने के लिए आई गेस इसको बैरी खिलाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उस लाइक नहीं मैं जो इसको बैरी खिलाऊ, एंड एक थ्रो मारा है बेटे, हाँ जाओ दूसरा बॉल नहीं फेंकना ही पड़ेगा यार, मैंने सोचा तो नहीं फेंकूंगा फ्लैक्स करूंगा आ जाएगा यार, बट नहीं आया, कोई बात नहीं आ जा, अब तो आ जा ओके, मतलब ये पीछे इतना सही नहीं लग रहा, आई गेस इसे टीम में ऐड नहीं करना, हाँ नहीं करूंगा मैं टीम में इसे ऐड, और मुझे बस यहाँ से लेना है सीक्रेट की एंड डायरेक्टली जिम बैच, मतलब जिम लीडर ब्लेन को चैलेंज करना है। सो भाई इसका फर्स्ट पोकेमॉन इज मैग्मा, एंड मेरे पास भी अभी पिकाचू जो कि तेरे को एक ही शॉट में उड़ा देगा, चल डिग एंड वन शॉट किल, ओ भाई लिटरली पिकाचू इज पावरफुल। एंड इसके सेकंड पोकेमॉन के लिए मुझे टोरोस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अन टोरोस सॉरी क्रैबी का, क्रैबी नहीं किंगलर मेरे भाई, वो किंग है भाई, इसके सर पे ताज है, ओके रैपिड डैश ये भी वन शॉट ही जाने वाला है, फ्लेयर ब्लेज आई गेस पावरफुल होने भाई, पावरफुल नहीं भाई सबसे पावरफुल हुआ फायर टाइप का ये, बट इफेक्ट नहीं किया कोई बात नहीं, एक ही शॉट में चला जा दो ओके। एंड इसका थर्ड पोकेमॉन है आर्केनाइन, पावरफुल तो है तू आर्केनाइन, बट बेचारा आर्केनाइन एक शॉट खाया तूने, एंड सेकेंड शॉट मार पाएगा क्या क्रैबी? आई गेस नहीं, पोकन बदलना पड़ेगा, क्रैबी क्रैबी से नहीं बन पाएगा ओके। लेट्स गो टोरोस, एंड अब मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है, तू कर सकता है ठीक है ओके। इसने आउटरेज किया भाई, बहुत अच्छा खासा डैमेज है, मैं आइस बीम गलती से दब गया भाई, मैंने खुद नहीं किया ये, ओह नो आइस बीम दब गया यार, कोई बात नहीं ये घूम चुका है, इसके कन्फ्यूजन ने इसे खुद ले गया, अपने कन्फ्यूजन से खुद डूब गया यार कि नहीं,
बट एक फायर ब्लास्ट, क्रैबी खत्म, सॉरी किंगर खत्म एंड पिकाचू का एक ही अटैक एंड दूसरा पिकाचू का बस सीपी जैपी चाहिए अब तो यहाँ पर। ओके फायर ब्लास्ट मिस, ओ नाइस, बच गया पिकाचू एंड अब बस एक जीपी जैप चाहिए इसके अगेंस्ट, सो लेट्स गो सीपी जैप फिनिश हिम। ओके एंड अभी भाई पिकाचू आज हाथ मिला ले विलन ने पिकाचू एंड ये मैच लेते हैं। फिलहाल मुझे जाना है बस अपने पैलेट टाउन में, बिकॉज उसी सिटी में हमें कुछ एक स्पेशल आइटम्स मिलने वाला है, सो यहाँ पर से हम जा सकते हैं पैलेट टाउन में, लेट्स गो बड़ी। एंड यहाँ पर ब्लू ने मेरे को की स्टोन एंड चार्जर का वाई चार्जर एक्स फिनसॉर्ड एंड ब्लास्टर से मेगा स्टोन दिया। उसके बाद मुझे बस पिकाचू का स्काई डैश यूज़ करना है एंड मुझे जाना है विरिडियन सिटी में। एंड यहाँ पर लास्ट जनरेटर द जियोवानी द टीम रॉकेट लीडर द रॉकेट ऑफ द टीम लीडर जियोवानी फार में गया जियोवानी, कुत्ता का मीना जियोवानी, हाँ ये सही है वो यहाँ पर है। एंड इसको आने के लिए मैं ये चार पोकेमॉन ले जाने वाला बिकॉज वो ग्राउंड टाइप है तो ये सारे इसके ऊपर अच्छा काम करेंगे इलेक्ट्रिक टाइप भी। एंड यहाँ पर इसने काफ़ी सारे जाल बिछा कर रखे हैं बट भाई मैं हूँ एस कैचर, मैं तेरे हर जाल से चुटकी बार में छुटकारा पा लूँगा। एंड अब भाई एटीट्यूड में बैठा हुआ है, कैसे भाई तू इतना चौड़ में बैठा हुआ है, मुझसे दो बार कुत्ते की मौत पिट के तो चौड़ में बैठा हुआ जियोवानी साले, अब तो पिटेगा भाई तू तो, अब तो पिटना ज़रूरी है भाई इसका तो। उसका फर्स्ट पोकेमॉन है ड्रग टू यू एंड मेरे पास भी है भाई मेरा पैसा किंगलर, सो वन शॉट अगर नहीं किया ना किंगलर ने, अबे क्या ही भाई छोटा मोटा अर्थक्विक से भाई मेरे किंगलर को कुछ नहीं होता, ये ले एक शॉट खा के निपट जा। एंड इसका सेकेंड पोकेमॉन नीडो किंग, ओके आई थिंक ये भी वन शॉट निपटे, क्या भाई मेरा किंगलर। ओके अब तो पिकाचू ही चलाएगा अंडरग्राउंड अटैक पिकाचू, एक सेकंड आज क्विक, नो अंडरग्राउंड ने पिकाचू किया, अबे नहीं यार आ जा वापस। एंड लास्ट होप में मेरा पिजी ऑट, सो पिजी ऑट इसे खत्म कर दो, मैं ऐश कहता हूँ तुम्हें, एक सेकंड एजिलिटी मैंने क्योंकि यहाँ पर ओके कोई बात नहीं स्पीड बढ़ चुकी है मेरी, अब मैं रेस्ट करता हूँ थोड़ी देर एंड फिर मैं इसे मारूंगा। सो रेस्ट के बाद मैंने एक फ्लाई तुम्हारी जिससे कोई असर नहीं पड़ा बट पिजॉर्ड शहीद बेचारा पिजॉर्ड। एंड अब मेरा लास्ट पोकेमॉन बल्बसॉर बाकी है, आई डोंट थिंक मैं इसे हरा पाऊंगा, अगर मैंने हरा नहीं पाया तो भाई मेरा गेम खत्म, तो बल्बसॉर सबसे ऊपर है आई गेस। सबसे पहले मुझे एक मेगा ट्रेन करना चाहिए, वो शिट एक अटैक में बल्बसॉर गया, कुछ नहीं कर पाएगा तो बल्बसॉर बैक आ जाए भाई, रो रहा है वैसे स्किप भी नहीं कर सकता मैच को वरना मैं भाई स्किप कर देता, कोई बात नहीं। एंड अब इसका सेकेंड पोकेमॉन आ चुका है भाई, इसको मैं वन शॉट ही नॉकआउट कर सकता बिकॉज ये ग्राउंड एंड रॉक टाइप का एंड फोर स्टैमिना होगा मेरा। ओके इसके अटैक से एचपी फुल हो जाएगी, नाइस भाई थैंक यू जवान यार एचपी फुल करवाने के लिए। एंड अभी इसके पास नीडो क्वीन है, ओके इसको सबसे पहले आई थिंक स्लीप पाउडर खिलाना सही होगा, ओके इसका अटैक मिस बहुत सही तरीके से, स्लीप पाउडर वेरी नाइस। एंड उसके बाद इसको बस एक लीव सीड देना है जिससे अनलिमिटेड एचपी हो जाए बिकॉज मेगा ड्रेन एंड स्लीप पाउडर प्लस लीव सीड से भाई कोई भी पोकेमॉन पिट जाएगा, तो फाइनली ये भी पिट गया। एंड जियोवानी भाई साहब ऐसी की तैसी तुम्हारी, हार चुके हो तुम एंड पिकाचू मिला ले तारी जियोवानी से जिम बैच मिलने वाली एंड अभी जियोवानी यहाँ से निकलने वाली। निकल जा भाई, अरे हाबी भी निकल जा, हाँ निकल जा, हाँ ठीक है निकलो। एंड ये निकल चुकी है जियोवानी एंड ब्लू, देख मैं तेरे को बता रहा हूँ तू अगर जिम लीडर बनेगा ये मेरा ऑर्डर है बिकॉज मुझे बहुत काम है, मैं एक रंग बिरंगे पंछी को ढूंढने जा रहा हूँ जो कि इसके बॉडी पर टट्टी लिपटा हुआ है, वो एक पंछी है उसको मैं ढूंढने जा रहा हूँ एंड वो यहाँ में रहता है ठीक है, तो लेट्स गो। ये रहा वो पंछी, ये देख ये बिल्कुल नल्ला पंछी भाई, कोई पावरफुल नहीं है ये, इसको तो मेरा पिकाचू वन शॉट ही आ जाएगा, देखना दो सेकंड के अंदर ना इससे और इसके मेरी मैच खत्म हो जाएगी, देखिए भाई दो सेकंड के अंदर ये देखो एक ख़त्म दो ख़त्म तीन ख़त्म चार ख़त्म पांच ख़त्म छठे को लगे मैं भाग गया, ख़त्म ना दो सेकंड के अंदर मैच, ठीक है हार गया मतलब मैं हार गया। एंड भाई जी फिलहाल मुझे बस पोकेमॉन लीक ले जाना है एक पंछी से हार के, बेकार से पंछी से टट्टी। एंड यहाँ पर बस एक केव तो मिलेगी एंड इस केव के जाने से पहले मुझे अर्थ वैल चिखाना पड़ेगा, चलो ठीक है। एंड आई डोंट नो इस केव के अंदर भाई एक जलता हुआ पंछी क्या कर रहा है भाई, इस केव के अंदर तेरा आने का मकसद ही क्या है, बट कोई बात नहीं आ तो क्या है तो भाई पिट कर तो जाएगा ही तू, ये पंछी तो भाई वन शॉट ही पिटेगा मैं से, जा पिकाचू मार दे उसे, एक जिपी जैप काफ़ी होगा, अरे नहीं भाई दूसरा में हराना पड़ेगा इसे, हार गया पंछी। एंड या मुझे भी अभी तक जाना है पोकेमॉन लीग, मतलब मुझे अभी जाना है पोकेमॉन लीग के लिए इस पुराने खंडर में, मतलब आई थिंक मैं वेलोर्ट यूज़ करूँगा तो भाई एक ही शॉट के अंदर एक पूरा खंडर ही टूट के गिर जाएगा वेलोर्ट, इतना बड़ा पोकेमॉन है। ओके कोई बात नहीं मैं देवी चल आ जा पिकाचू मेरे कंधे पे वापस, नहीं अच्छा आ जा चल खुश हो गया तू, हम लोग हरा गए पोकेमॉन लीग को बन जाएंगे चैंपियन अब तो, चल भाई पिकाचू ओके ओके मैं रेडी हूँ बिल्कुल। और यहाँ पर पोकेमॉन लीग में जाने से पहले मैंने अपनी टीम में तुम्हें दिखा देता हूँ, ये है मेरी पूरी एज की टीम, सो लेट्स गो आई एम एज कैचम एंड मैं अभी बनने वाला हूँ चैंपियन पोकेमॉन लीग का। ओके
एंड मेरे पास कुछ रेयर करनी पड़ी हुई थी तो इनका मैंने यूज़ कर लिया पर बिकॉज गेम के बाद मैं क्या ही करूँगा। एंड ओके इसके पास अब बस सिर्फ और सिर्फ 5 पोकेमोन है, सो सारी लाइफ के पास 5 ही पोकेमोन होते हैं चैंपियन को छोड़ के, तो उसके लिए मुझे हर बार 5 ही पोकेमोन का यूज़ करना पड़ेगा। सो इस बार मैंने कुछ इस 5 पोकेमोन का यूज़ किया है, तो भाई लॉरेली आ जा तू मुझसे बैटल करने। अबे यार इतना बातचीत बाद में कर सकते हैं, चल पोको निकाल। एंड इसके पास पोको ड्यूगोंग है, ओके इसके अगेंस्ट पिकाचू काफ़ी अच्छा है बिकॉज ये आइस एंड वाटर टाइप का है, सो एक थंडर अवॉइड, कोई बात नहीं सहलेंगे थोड़ा सा। अब तो भाई पिकाचू इसे ख़त्म कर सकता है, एक ही शॉट में ख़त्म करना पिकाचू। ओके थंडर एंड वन शॉट, अबे नहीं फिर से कुछ सहलेंगे, बट भाई मेरी जिप जैप से तो कैसे बचेगी। ओके खत्म हो इसका फर्स्ट पोकेमोन एंड हिज सेकंड, मतलब हर सेकंड पोकेमोन इज ओ क्या इसकी सेकंड थिंग्स, हाँ सही है चाइजार्ड की एक फ्लिंच शॉट। भाई चाइजार्ड वैसे मेरा मेगा इवॉल्व हो सकता है बट मैं इसे कर नहीं सकता बिकॉज आज के पास मेगा चाइजार्ड था नहीं, तो बस एक फ्लिंच शॉट ही कर सकता हूँ मैं यहाँ पर जिससे जिंक्स खत्म हो चुकी है, बाय बाय। एंड इसका नेक्स्ट पोकेमोन है ओके क्लॉइस्टर। एश ने भी भाई किंगलर वर्सेस क्लॉइस्टर करवाया था जहाँ पर एश किंगलर ने क्लॉइस्टर की शेल तोड़ दी थी, तो मैं भी वही करने वाला हूँ क्लॉइस्टर की शेल। फर्स्ट टाइम मैंने ये क्या क्या भाई दे भाई, कोई नहीं हाइड्रो पंप से तो नहलाता हूँ फिर तो भाई तुम हमारे क्रैब हैमर से नहीं बच सकते। भाई हाँ मेरे क्रैबी के पास क्रैब हैमर नहीं है पता है तुम्हें, पर सुपर पावर तो है ना भाई, सुपर पावर एंड सुपर पावर क्या कौन टिक सकता है। खत्म ये भी, इसका शेल तोड़ दिया मैंने। एंड अब इसका नेक्स्ट पोकेमोन स्लो भाई, इससे तो भाई बदला लेना बनता है, ये थ्रास एक थ्रास ओके थ्रास से आई थिंक ये नहीं मर सकता। ओके मुझे क्यों लग रहा है मैं टोरोस पिटने वाला है। ओके दूसरा अटैक नेक टोरोस बच जा जैसे जैसे, इज्जत का सवाल है भाई। ओके टोरोस के नहलाने वाली है, वो एक शॉट से गया भाई टोरोस खत्म, कोई बात नहीं पिकाचू से बदला लेगा। एंड अब इसके पास लास्ट पोकेमोन लैपिस बाकी है एंड इसको भाई चाइजार्ड वन शॉट कर सकता है आई गेस। चाइजार्ड यूज फ्लेम्स हुआ मतलब हाँ फायर ब्लास्ट, ओके अच्छा खासा डैमेज तो दिया बट चाइजार्ड बेचारा कट लिया। ओके बच गया भाई, नहीं हाइड्रो पंप मिस कर दिया इसने, अब तो कटेगा ही, बाय बाय चाइजार्ड। एंड क्या अभी बस पिजॉट एक फ्लाइंग प्रेस बट एक ब्लिजर्ड में पिजॉट भी खत्म एंड लास्ट में पिकाचू नहीं सहराया। एंड या लॉरेली भाई तू हार चुकी है, जो भी है तू हार जाओ। एंड फिलहाल मुझे भाई ब्रूनो को चैलेंज करना, तो ब्रूनो के लिए मैंने ये अच्छे मतलब 5 पोकेमोन टेक किया है, सो लेट्स गो टू चैलेंज ऑफ ब्रूनो। एंड क्या भाई इसकी बॉडी शॉडी देखो यार, मुझे भी चाहिए ऐसी बॉडी शॉडी, चल बैठ जा एंड शुरू करते हैं बैटल बैठे बैठे ही। ओके इसका फर्स्ट पोकेमोन ऑनिक्स है, मैंने भी अपने इसके लिए लाए बल्बसॉर एंड इसका सबसे पहले मैं सुलाऊंगा, चल कोई बात नहीं छोटा छोटा अर्थक्वेक दे दे सो जाओ। एंड अब इसको बस मुझे एक मेगा ड्रेन देना है खत्म इसके पोकेमोन। एंड फिर इसके पास है एक हिटमोन चैन, ओके इसके पास ये वो जब थंडर पंच आइस पंच एंड फायर पंच है, तो भाई इसके अगेंस्ट टोरोस बहुत पावरफुल है भाई, टोरोस मतलब ये टोरोस को कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तो फायर पंच मारा है ना, इसके पास 3 ही अटैक है जस्ट, ठीक है तो टोरोस का भाई साहब आउटेज है जो कि बहुत ईजिली इसको फिनिश कर सकता है आइस पंच को, एक किसी काम का नहीं भाई। एंड लास्ट ऑफ एक आउटेज टी एम है तो घूम चुका है टोरोस का सर, बट टोरोस मार देगा यस 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 फिनिश हिम। ओके दूसरा पोकेमोन गया इसको, इसका थर्ड पोकेमोन है पॉलीवैल पॉलीवॉर, ओके इसको मैं सोच रहा पहले सुला दूँ भाई। ओके चल सुपर पावर कुछ नहीं होगा भाई इसे मेरा, अब सो जा तू, अभी नहीं सोया मैं नहीं सोया भाई, कोई बात नहीं इस एज में सोना ही चाहिए, इस बार तो सोना ही चाहिए भाई। बल्ब सर बहुत बार भाई अपना स्लीप पावर को मिस कर रहा है बट इस बार कर दिया उसने, सही बात है। एंड अब तो भाई एक सोलर भी उससे मर जाएगा, कोई बात नहीं मेगा ड्रेन से तो मरेगा ही मरेगा खत्म। एंड अभी इसका भाई लास्ट पोकेमोन है, लास्ट नहीं उसका चौथा पोकेमोन है जिसने मैं चार्जर को फिनिश कर दिया बट पिजॉट के सामने पिट गया वो। एंड उसके बाद उसका हिटमोन ली, अब भाई तो पिकाची से पिट ले उसका फ्लोटी फॉल से ही आसमान का बैलून एंड एक फ्लाइंग थप्पर खत्म। ओके तो ब्रूनो भाई तुम हार चुके हो एंड अभी हमें जाना नेक्स्ट इलाइट फोर के पास जो कि आगा था, या आई थिंक इसका नाम यही है आगा था, बट जब वो लेट्स बैटल आगा था। एंड इसके पास पोकेमोन आर्बो के एंड मैं भेजने वाला हूँ पिचॉट को, आई गेस पिचॉट ओके ठीक ठाक डैमेज दे दिया इसने बट इसने पैरालाइज कर दिया एंड मैं यही पैरालाइज के चलते चलते पिचॉट पिट चुका कोई बात नहीं पिचॉट तेरा बदला पिकाचू लेगा। एंड पिकाचू ने इसे फिनिश किया एंड फिर इसका गेंगार आया जिसको मेरे भाई क्या नाम है तेरे, हाँ टोरोस के सामने कुछ भी नहीं है भाई, वो कोई भी अटैक कर दे तू टोरोस तेरे को हराएगा, ये ले दूसरा आउटेज खत्म ये। एंड फिर इसका नेक्स्ट पोकेमोन है ये पिद्दिसा जिसके पास थंडरबोल्ट था, मुझे पता नहीं था तो मुझे पोकेमोन चेंज करना पड़ा एंड फिर थंडर से मैंने इसे फिनिश किया। एंड आफ्टर इसका भाई और एक पोकेमोन गेंगार, एंड गेंगार को मैं चार्जार्ड ने एक शॉट एंड फिर पिटा
एंड आफ्टर डैट इसको मेट्रोस ने फिनिश आउट कर दिया। दोनों गेंगार को मेट्रोस ने फिनिश आउट किया एंड लास्ट वाले पोकेमॉन को तो गोलबैट को वन शॉट उड़ा दिया। सॉरी आगा था, यू लॉस्ट। एंड अभी मुझे हराना है इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलाइको द लेंस को एंड ही इज रियली 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 पावरफुल विथ हिज ड्रैगनाइट। सो भाई इसके ड्रैगनाइट को देखो चौन में खड़ा हुआ है, बट ज़्यादा देर तक नहीं भाई, तो हारने वाला अभी तक। तो लेट्स गो, इसका फर्स्ट पोकेमॉन सीड ड्राई एंड आई हैव माय पिकाचू। सो इसी तरीके से वन शॉट ही जाने वाला है। नहीं गया क्या वन शॉट? कोई बात नहीं, छोटा सा मोटा हाइड्रो हम खा ही लेंगे, उसमें क्या है, दूसरे शॉट में जाएगा ही जाएगा। एंड फिर इसका नेक्स्ट पोकेमॉन क्या है? ओके एरोडैक्टाइल, ये तो भाई मैं बल्बसर को वन शॉट कर दिया। एंड फिर पिकाचू ने इसे बदला ले ही लिया। एंड फिर पिकाचू ने इसका नेक्स्ट पोकेमॉन को एंड चार्जार्ड से इस क्रैबी ने किंगलर एंड ड्रैगनाइट को बहुत इजी तरीके से अपने टोरोस के आउटरेज का सामना करना पड़ा। लाइक मेरे पोकेमॉन भाई लेंस को बहुत ज़्यादा इजीली बीट कर दिया भाई। लेंस तो भाई ज़्यादातर पोकेमॉन को वन शॉट ही हो रहे थे एंड कुछ दो शॉट के अंदर ही खत्म हो गए। ओके ड्रैगनाइट के पास भी आउटरेज है बट नॉट पावरफुल एन मी बिकॉज मैं टोरोस के पास स्पीड का एडवांटेज है। सो ऑफकोर्स वो ड्रैगनाइट से ज़्यादा स्पीड है एंड वो हार जीत चुका है। एंड ऑफकोर्स अभी मैंने पूरा 6 का 6 पोकेमॉन निकाल लिया बिकॉज मुझे चैंपियन को हराना है। तो भाई चैंपियन कैरी बन चुका है, बट ज़्यादा देर तक नहीं मेरे बच्चे, अब तो पिटने वाला है। ओके पोकेबॉल फेंक दिया उसने, चल आज हम मैदान में। एंड आई गेस इसका फर्स्ट पोकेमॉन पिडजॉट है, देखो कि आई गेस मेगा इवॉल्व भी कर सकता है वो उसको। तो मेगा इवॉल्व हो गया भाई, कितना ऑसम लग रहा मेगा इवॉल्व पिडजॉट। चल भैंस के इसको हराते हैं। पिकाचू यू से थंडर, ओ मिस नहीं हुआ, मुझे लगा था पिडजॉट बहुत स्पीड है मिस हो सकता है, बट नहीं। नाइस यार बल्बसॉर तो अच्छा ही है भाई, मेगा पिडजॉट पर थंडर फेंक दिया तूने, सही बात है। एंड फिर चार्जर निकला मेरा एंड इसका फायर प्लूम। देखो अगर मैं फायर ब्लास्ट मारता ना यहाँ पर एक ही शॉट में निपट जाता, बट मैंने गलती से यहाँ पर प्लेन थ्रो मारा। मैं बहुत ज़्यादा बुद्धू, बहुत बड़ा बुद्धू। एंड फिर इसने अपना पोकेमॉन चेंज कर दिया एंड इसने स्लो ब्रो ला दिया। मैंने भी इसका देखा था कि क्या भाई पोकेमॉन को चेंज, सोचा भाई अच्छा खासा कुछ हो जाएगा एंड या रिगर्स में अच्छा खासा डैमेज दिया, बट उसने वापस से पोकेमॉन चेंज कर दिया। एंड फिर उसने मेरे वाक को लाया, तो मैंने तुरंत ही फिर से भाई अपने पोकेमॉन को बदला। बट मेरे वैक ने मेरे बल्बसॉर की बहुत अच्छी तरीके से बोन से बदा डाली एंड अब बस मेरे बल्बसॉर उसको बस छोटा मोटा मेगा ग्रेन दे सकता था, बट बेचारा खुद पिट गया फायर बन से। एंड फिर इसको मेरे किंगलर ने ही फिनिश किया। एंड आफ्टर डैट उसका नेक्स्ट पोकेमॉन आया जो कि वाइल्ड प्लूम था। अफकोर्सली इसको इसने फुल हील से वापस से पूरा हील कर दिया था भाई। कभी भी इसको शर्म नहीं आती, शर्म आती नहीं भाई, ये पहले भी इसने कभी इसको हील किया था एक दो बार, फिर मैंने कुछ नहीं कहा, बट इस बार वापस से कर दिया इसने हील। एंड इसका जॉल्टियन को तो एक ही अर्थक्वेक से फिनिश नहीं हो पाया, कोई बात नहीं चाहे दैट बाय बाय। एंड लाइफ ऑफ द टोरोस ने इसे ख़त्म किया लास्ट ऑफ दी। एंड अभी बस इसका नेक्स्ट पोकेमॉन बाकी है। ओके तो इससे पहले मुझे इसको हराना पड़ेगा। चलो एक ही अटैक में आई थिंक ये जाना चाहिए वन शॉट। क्रैबी इज रियल पावरफुल पोकेमॉन मतलब किंगलर। एंड अभी इसका बस लड़खड़ाता हुआ स्लो ब्रो भाग के, इसका थोड़ा बहुत एचपी है यहाँ पर भी भाई, चार बार यूज़ कर सकता ये फुल हील भाई। नूबड़ा है भाई तू एक, चलो कोई बात नहीं, इससे नहीं मरा क्या हुआ, ठंडर से तो मरेगा ही ना तेरा स्लो ब्रो गया। एंड सीधी बात में बकवास में बन चुका हूँ चैंपियन। एंड अफकोर्स लिखा इस तुम्हें मेरे चैनल पर ऐसी बहुत सी पोकेमॉन लेट्स को पिक कर चुकी, साथ में दूसरे हाई ग्राफिक गेम्स की एंड टीवी की RPGs गेम की पूरी वीडियो एक मतलब पूरी गेम एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट मिलेगी। एंड मैं चैंपियन बन ही चुका हूँ तो भाई तालियां तो मिलने चाहिए यार। एंड अफकोर्सली तुम मेरे बाकी वीडियोस को चेकआउट जरूर से कर लेना। एंड तुम्हें अगर ऐसे जैसे रेड देखना ना तो तुम भाई देख सकते हो, वो वीडियो मेरे ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तुम मेरे चैनल के पेज में जाके वो देख सकते हो। तो भाई मैं पहले टाउन में वापस आ चुका हूँ एश केचम। एंड या गाइस सब लोगों को बाय बाय एंड ये छोटा सा गिफ्ट तुम लोगों के लिए, सो एंजॉय करो द एंड, लेट्स बाय।